हेलो एवरीवन, तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, तो इसी वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप नीट के लिए भी देख सकते हैं और बोर्ड के लिए भी देख सकते हैं अपने क्लास ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। जब आप कोई रिएक्शन कराते हैं, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसमें आपको तीन बातें मेन पता होनी चाहिए। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि वो रिएक्शन होगी या फिर नहीं। जैसे आपने हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिला दिया, तो वो रिएक्शन होगी या फिर नहीं, दैट इज हैपेंस और नॉट, कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं। इस चीज़ के बारे में हमारा एक चैप्टर है जो कि कहता है थर्मोडाइनमिक्स। तो थर्मोडाइनमिक्स हमें यह बताता है कि कोई रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी। दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो रिएक्शन अगर हो रही है तो वो कहाँ तक जाएगी, मतलब अगर वो 10% होकर ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो 100% होने के बाद ख़त्म होगी, या फिर आधे पे रुक जाएगी, यानी कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन कितनी दूर तक जाएगी, कितने परसेंट वो चलेगी, कितने परसेंट ख़त्म होगी। इस चीज़ के बारे में हमारा एक चैप्टर बताता है जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्वेश्चन आता है कि स्पीड क्या होगी रिएक्शन की, जो रिएक्शन है वो कितनी तेज चलेगी, मतलब हो सकता है कोई रिएक्शन जैसे ही आप मिलाए कोई दो चीज़ तुरंत प्रोडक्ट बन जाए, यानी इंस्टेंटली हो जाए। कोई रिएक्शन हो सकता है बहुत स्लो चल रही हो, कोई हो सकता है किसी एक डेफिनेट स्पीड से चल रही हो। तो रिएक्शन कितनी जल्दी होगी, 5 सेकंड में हो जाएगी या 5 मिनट में या फिर 5 साल लगेंगे, इसके लिए हम स्पीड ऑफ रिएक्शन देखते हैं। और स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में हमारा एक चैप्टर बताता है जिसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, और यही चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम काइनेटिक्स की बात करने जा रहे हैं। काइनेटिक्स मतलब होता है स्पीड के बारे में, उसके चलने के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स नाम का आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जहां हम स्पीड देखेंगे रिएक्शन की। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें बात समझनी है रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में, मतलब हमें यह समझना है कि कोई रिएक्शन जो है वो कितनी जल्दी चल रही है, क्या स्पीड है उसकी, उसी को हम रेट कहते हैं। जब आप किसी चीज़ का रेट नापते हैं तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में नापते हैं कि 5 सेकंड में कितनी दूर गया कोई, या फिर 5 घंटे में कोई कितनी दूर गया। तो रेट जब भी हम नापते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में नापते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक रिएक्शन ले लें, एक सिंपल रिएक्शन जिसमें हमने कोई रिएक्टेंट लिया है, 2-3 रिएक्टेंट ले रखे हैं, और वो दोनों रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पर आर क्या है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट पी जो है ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर अगर आपको रेट लिखना है तो आप लिखेंगे रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब रिएक्टेंट जो है वो कितने टाइम में कितना ख़त्म हुआ, यही हमारा रेट होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना रिएक्टेंट ख़त्म हुआ, यही रेट हो जाएगा। अब क्योंकि रिएक्टेंट धीमे धीमे कम होगा, या कह लीजिए डिसअपियर होगा, तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं। नेगेटिव क्या शो करता है कि धीमे धीमे टाइम के साथ रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। या फिर इसी रेट को आप प्रोडक्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि भाई जितनी देर में रिएक्टेंट ख़त्म हुआ या फिर जितनी देर में प्रोडक्ट बना, वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, ये भी आपका रेट ही है। लेकिन यहाँ पे देखो, मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि रिएक्टेंट तो सॉरी प्रोडक्ट तो जो है टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे आप पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट आप रिएक्शन सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन आप रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी। रिएक्टेंट के टर्म में जब आप रेट लिखेंगे तो आप एक नेगेटिव साइन लगाएंगे जो कि शो करेगा कि रिएक्टेंट धीमे धीमे खत्म हो रहा है। प्रोडक्ट के टर्म में जब आप लिखेंगे रिएक्ट को तो आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे या फिर कोई साइन नहीं लगाएंगे, जो कि ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होता है। तो आप ये शो कर रहे हैं कि प्रोडक्ट धीमे धीमे टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो ये रेट लिखने का तरीका होता है। अब हम एक रिएक्शन लिखते हैं और उस रिएक्शन में एक बार रेट को लिख के देखते हैं कि किस तरीके से, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम रेट को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक रिएक्शन ले लिया, N2+3H2 गिव्स 2NH3। ठीक, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं। अब इसमें आपको रेट लिखने को कह दिया जाए तो आप रेट लिखेंगे इस तरीके से, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। क्या यहाँ पे नेगेटिव लगेगा? बिल्कुल नेगेटिव साइन लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन धीमे धीमे कम हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे। या फिर अगर आप हाइड्रोजन के टर्म में रेट लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, हाइड्रोजन के अगर आप टर्म में लिखना चाहें तो आप इस तरीके से लिखेंगे
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एच टू यानी हाइड्रोजन अपॉन टाइम डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है जो कि आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज करके थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इसको फिर से। तो रेट आपने नाइट्रोजन के टर्म में लिखा, अब हम रेट लिख रहे हैं हाइड्रोजन के टर्म में, जो कि है डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी। ये रेट हो गया, क्या नेगेटिव होगा? बिल्कुल नेगेटिव होगा, क्योंकि 3H2 मतलब जो हाइड्रोजन है ये भी टाइम के साथ कम हो रहा है, तो ये रेट नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, कोफिशियंट। देखो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं था तो हम 1 मान के चलते हैं, तो मतलब एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा तो 2 अमोनिया बन रहे हैं, एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा तो 2 अमोनिया बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोफिशियंट होता है उसको 1 अपॉन में करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 3 इंटू डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी। 1/3 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एक नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपको कोफिशियंट दिखेगा, हाइड्रोजन के सामने 3 लिखा है तो 3 इसका कोफिशियंट हो गया, उस कोफिशियंट को आपको यहाँ पे 1/ करके मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको एक दूसरा रूल दिखाना है, मतलब लगाना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशियंट। जो कोफिशियंट होगा या जो स्टोइकियोमेट्री, यहाँ पे कोफिशियंट टर्म नहीं यूज़ करेंगे, है ना, कोफिशियंट तो फिजिक्स में यूज़ करते हैं, स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री क्या होता है, यहाँ पे जो आगे लिखा होता है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, ये 2 है ना। तो जो स्टोइकियोमेट्री उसका रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, यानी 1/3 उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तब हमारा रेट आएगा। तो यहाँ तो नाइट्रोजन के केस में रेट नॉर्मल है, यहाँ पे रेट जो आप लिखेंगे वो 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, तब ये पूरा का पूरा रेट आएगा। इसी तरीके से अमोनिया के फॉर्म में भी हम रेट को लिख सकते हैं, ये भी आपको पढ़ा है मैंने, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कोफिशियंट यहाँ पे देखो स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरा हमारा रेट आ जाएगा। तो रेट में आपको जो स्टोइकियोमेट्री है उसके अपोजिट में उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे टाइम के साथ अमोनिया बढ़ती जाएगी, तो यहाँ पे हमारा नेगेटिव नहीं लगेगा, जबकि यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, ठीक। तो ये होता है रेट आपका, और ये आपका एक एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब एक सिंपल सी चीज़ और है, जब भी हम यहाँ पे डेल्टा लगाते हैं, यहाँ पे डेल्टा हमने लगाया है, जब हम डेल्टा चीज लगाते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ टाइम लगा है चेंज होने में, ठीक है। जो डेल्टा टी है इसका मतलब है जैसे 1 सेकंड लगा है, 10 सेकंड लगा या 1 घंटे लगा, ठीक। तो प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट को चेंज होने में कुछ टाइम लगा है। लेकिन अगर हम किसी इंस्टेंट पे निकालना चाहें रेट को, किसी इंस्टेंट पे मतलब किसी क्षण पे निकालना चाहें, किसी एक टाइम इंस्टेंस पे निकालना चाहें रेट को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी लगाएंगे, तब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन किया होगा ना, तो तब हम लिखेंगे रेट इज इक्वल टू रेट, यहाँ पे रेट ना लिख के आर इंस्टेंटेनियस लिख देते हैं हम, ठीक है, आर इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंट पे, तो हम इस तरह के लिखेंगे माइनस डी रिएक्टेंट अपॉन डी टी। डी मतलब बहुत छोटा चेंज, बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो किसी एक क्षण पे हमें निकालना है तो माइनस डी आर अपॉन डी टी, या फिर प्लस में डेल्टा नहीं, यहाँ पे डी रहेगा, है ना, डी चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो ये हम लगा सकते हैं, ये किस केस में आएगा, जब हमारा जो रेट है उसको हमें एक इंस्टेंस पे निकालना है तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो रेट जो है दो तरीके से निकाल सकते हैं आप, एक तो एवरेज के फॉर्म में निकाल सकते हैं, ये हमारा एवरेज रेट है, ये हमारा एवरेज रेट है। एवरेज फॉर्म में निकालेंगे आप तो आपको डेल्टा लगाना पड़ेगा, और अगर आप इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे किसी एक इंस्टेंट पे तो आपको डी लगाना पड़ेगा, डी आर बाई डी टी, ठीक। या फिजिक्स में पढ़ते भी हैं, डिफरेंशिएशन आप सीखते हैं तब, और एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया आपको ये, ठीक। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जल्दी ले लीजिए। एक और चीज़ यहाँ पर लिख लेते हैं, रुको, यूनिट लिख लेते हैं। तो यूनिट क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन की, चाहे इंस्टेंटेनियस हो चाहे एवरेज हो, दोनों की यूनिट तो सेम ही होगी। अब देखो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आप किस में लेते हैं, मोलैरिटी लेते हैं आप, ठीक है, मोल पर लीटर।
तो कंसंट्रेशन की यूनिट तो आपकी मोल पर लीटर आ गई, मोल पर लीटर, और टाइम जो है नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो टी माइनस वन या कह लीजिए सेकंड माइनस वन, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपकी मतलब यूनिट हो जाएगी रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन लेते पे। लेकिन अगर आप गैस ले रहे हैं, फॉर गैसेस, अगर आप कुछ गैस ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस ले रहे हैं, हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, अमोनिया जो बन रही है गैस बन रही है, तो गैस के केस में जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा। तो कंसंट्रेशन की जगह पे हम क्या करते हैं, प्रेशर टर्म को यूज़ करते हैं, प्रेशर गैसेस में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जब अगर आप यहाँ पे प्रेशर रख देंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन के बजाय मान लीजिए इसका प्रेशर रख दिया आपने, तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी, एटमॉस्फेयर या कोई और भी यूनिट हो सकती है ना, हम नॉर्मली एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रेशर ले मतलब रख दिया किसी गैस का, तो यहाँ पे प्रेशर रख दिया और यहाँ पे टाइम, एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ये केस केस में होगा गैस के केस में, क्योंकि गैस का हम एटमॉस्फेयर मतलब प्रेशर लेके चलते हैं, प्रेशर ज़्यादा काम आता है गैसेस के केस में, और बाकी लिक्विड है तो उसके केस में हम क्या लेके चलते हैं, कंसंट्रेशन। ठीक, अब स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं, दिख रहा है सर? हाँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ले लिया होगा आपने, इरेज कर देते हैं ये एग्जांपल। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, फिर से वो एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, N2+3H2 gives 2NH3, ये एग्जांपल आपको एक रिएक्शन दे रखी है। अब मान लो रेट, आपको रेट लिखना है इस रिएक्शन का, तो आप रेट लिखेंगे, मान लेते हैं हम हाइड्रोजन के टर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले माइनस लगाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन कम हो रहा है, थ्री यहाँ पे कोफिशियंट है मतलब स्टोइकोमेट्री है, तो थ्री को नीचे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ये रेट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, इस पूरे को हम रेट कहते हैं, मतलब -1/3 × ΔH2/ΔT, ये पूरा क्या है, रेट है, लेकिन इसमें ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इसका एक और हम टर्म देते हैं, इसको एक और नाम देते हैं हम, और वो नाम है, ये होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियर मतलब होता है, स्पेलिंग शायद गलत हो गई है, कोई बात नहीं, अच्छा चेंज कर देते हैं। ठीक है, डिसअपियरेंस अभी भी गलत है, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो, डिसअपियरेंस मतलब क्या होता है, गायब होना, डिसअपियर मतलब होता है गायब होना। गायब होना हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन धीमे धीमे कम हो रहा है ना, धीमे धीमे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, गायब हो रहा है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं, इस इतने को हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के गायब होने का रेट है। ठीक, लेकिन सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है मैं इसको कवर कर देता हूँ एक सेकेंड, सिर्फ कौन सा पार्ट, सिर्फ ये इतना पार्ट। ठीक, अगर आप पूरा ले लेंगे तो पूरा क्या होता है, रेट, लेकिन सिर्फ आप इस इतने को आप क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर हम अमोनिया के टर्म में लिखें रेट को, तो देखो अमोनिया के टर्म में हम रेट को लिख रहे हैं, रेट इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अमोनिया धीमे धीमे बढ़ेगी, है ना, तो हाफ इंटू यहाँ पे डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक, अब ये पूरा का पूरा तो क्या है, रेट है, लेकिन इसमें से अगर हम इस इतने को पार्ट को हटा दें, इस इतने पार्ट को देखें, तो ये क्या है, ये है रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया, इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ अपियरेंस, अपियरेंस मतलब दिखाई देना, क्यों, क्योंकि अमोनिया क्या है, दिखाई देने लगेगी आपको, धीमे धीमे बढ़ रही है, इसी वजह से हम रेट ऑफ अपियरेंस कह रहे हैं, तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया। ठीक है, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया, तो ये चीज़ समझ में आई, रेट जो है वो पूरा का पूरा अगर हम ये लें कोफिशियंट और साइन के साथ, तो पूरा का पूरा क्या चीज़ है, हमारा रेट है, लेकिन अगर हम इस इतने पार्ट को लें तो ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन के गायब होने का दर है, ये रेट है। ऐसे ही ये क्या है, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ अमोनिया, यानी अमोनिया के सामने आने का, अपियर होने का रेट है। तो ये दोनों टर्म भी क्वेश्चंस में मतलब ये यूज़ किए जाते हैं, इस वजह से ये दोनों टर्म आपको याद होना चाहिए। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपियरेंस। ठीक, और ये किसी भी आप इक्वेशन में लगा सकते हो। ठीक है, कोई भी आपको अगर इस तरीके की इक्वेशन दे रखी है तो उसमें ये जो प्रोडक्ट होंगे धीमे धीमे डिसअपियर होंगे, और जो जो रिएक्टेंट होंगे वो धीमे धीमे डिसअपियर होंगे, और जो प्रोडक्ट होगा वो धीमे धीमे अपियर होगा। ठीक, तो ये आप किसी भी रिएक्शन में लगा सकते हो। अब एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं मिटा रहा हूँ फिर इसको। ठीक है, ले लिया होगा आपने। ठीक है,
तो दूसरा टॉपिक हमारा रेट लॉ। तो रेट लॉ मतलब एक तरह का नियम है ना, इस नियम को समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी टाइम्स सी और डी डी। तो ये स्मॉल वाले जो हैं, स्मॉल ए बी सी डी, ये सारे क्या हैं, स्टोइकोमेट्री हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब रेट लॉ कहता है कि जो रेट होता है रिएक्शन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी, ठीक है, यानी कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए बी इनकी पावर एक्स एंड वाई, ठीक। अब हमने देखो एक्स एंड वाई पावर लगाया है, स्मॉल ए स्मॉल बी पावर नहीं लगाई है, एक्स एंड वाई पावर लगाया है। अब एक्स एंड वाई क्या है ये भी हम थोड़ी देर में पता करेंगे। तो रेट लॉ बेसिकली यही है, रेट लॉ का कहना है कि जो रेट होता है रिएक्शन का, एक सेकेंड, जो रेट होता है रिएक्शन का वो प्रोपोर्शनल होता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के, उनकी पावर एक्स और वाई हमने ये लगाया है। ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास रेट निकालने के दो तरीके हो गए। एक आपको ये रेट इस तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है, वन अपॉन ए इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, नेगेटिव रहेगा ना क्योंकि ए हमारा रिएक्टेंट है, धीमे धीमे कम होगा तो नेगेटिव। तो इस तरीके से भी रेट निकाल सकते हो और इस तरीके से भी, लेकिन यहाँ पर रेट लॉ देखो दोनों चीज़ को लेता है, ए और बी को। तो मतलब ये चीज़ भी डिफाइन करता है कि ए बी का कंसनट्रेशन आपस में कैसे डिपेंड करता है। हो सकता है ए का कंसनट्रेशन हम चेंज करें लेकिन ओवरऑल स्पीड रिएक्शन की चेंज ही ना हो, या हो सकता है ए का कंसनट्रेशन हम दो गुना करें तो ओवरऑल स्पीड जो रिएक्शन की है वो चार गुना बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें हम रेट लॉ से पता करेंगे कि कैसे हम किसी एक रिएक्टेंट को चेंज करते हैं तो रिएक्शन की जो स्पीड है उस पर क्या चेंज आता है, ठीक है। इस पर रेस कर देते हैं। अब देखो कभी भी आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब हटाते हैं ये प्रोपोर्शनल वाला साइन, तो एक ना एक कांस्टेंट आ जाता है। तो आर स्क्वायर टू प्रोपोर्शनल हटा के हमने स्क्वायर टू लगाया और यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया जिसे हमने के कहा, के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, ठीक। तो ये हमारा एक और मतलब इक्वेशन बन गई, आर स्क्वायर टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, जहाँ पे के जो है इसको हम रेट कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। ये एक तरह का कांस्टेंट है, बस ये आपको ध्यान रखना है, जिसको हम रेट कांस्टेंट कह देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एक्स एंड वाई की। एक्स एंड वाई जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्स एंड वाई समझने के लिए हमें समझना होगा एक टॉपिक जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में जैसे कि कोई भी एक रेट लॉ लिखा हो, किसी भी रिएक्शन का हमने रेट लॉ लिख लिया। अब इस रेट लॉ में जो कोफिशियंट होता है एक्स और y, इन दोनों को ऐड कर दो तो इस रिएक्शन के लिए हमारा ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। तो x और y मिला के क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस रिएक्शन के लिए, इस वाली रिएक्शन के लिए, ठीक। तो हमने मान के चला है कि x और y जो है ये कोफिशियंट है a का और b का, और x और y मिला दो तो यही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि हमने देखो यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये आप तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप रिएक्शन बैलेंस कर दोगे, स्मॉल ए स्मॉल की बी की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक्स और वाई जो है ये आप थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते हो, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही निकल सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ए बी नहीं लिखा, क्योंकि ए बी तो आप थ्योरेटिकली निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई की ये खासियत होती है कि ये सिर्फ आप एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं, इसीलिए कभी भी कहा जाता है कि जो ऑर्डर रिएक्शन का होता है ये एक एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। इसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं, और इसको आप डायरेक्ट थ्योरी के हिसाब से या कह लो रिएक्शन को बैलेंस करके निकाल नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कभी कभी कि एक्स और वाई की कोई भी ऐसा चांस हो, कोई एक ऐसी रिएक्शन हो जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के बराबर हो जाए, ऐसा चांस आ सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो एक्स और वाई जो है ये कैसे निकाल सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन की एक्सपेरिमेंट करके, बिना एक्सपेरिमेंट के हम इसको नहीं निकाल सकते एक्स और वाई को। इसीलिए कहा जाता है ऑर्डर जो रिएक्शन का होता है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ये चीज़ अच्छे से ध्यान देना, ठीक। तो ऑर्डर इज़ अ एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। दूसरी चीज़, ऑर्डर जो है ये हमारा जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, ठीक है। थ्री के बाद वाले ऑर्डर मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो नॉर्मली हमारा तीन तक ही ऑर्डर आता है, ठीक है। उसके बाद ऐसी रिएक्शंस जनरली होती नहीं जिनका ऑर्डर फोर हो, तो जीरो वन टू थ्री हो सकता है, या फिर फ्रैक्शंस में भी आ सकता है, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो वन टू थ्री फोर और जीरो या फिर फ्रैक्शन आ सकता है, ठीक। तो ये दो बातें और याद रखनी है आपको। एक और बात याद रखनी है आपको इस रिएक्शन की, अगर हम बात करें इस वाली रिएक्शन की, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, x प्लस वाई,
एक चीज़ ये पूछी गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो कि एक्स प्लस वाई है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, तो आप कहेंगे एक्स, क्योंकि ए की पावर क्या है एक्स, और यही तो है पावर जो है, यही बेसिकली ऑर्डर है, हमने पावर ही तो ऐड कर दी है एक्स और वाई। तो अगर ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कहा जाए तो एक्स प्लस वाई है, लेकिन ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए यानी ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कहा जाए तो वो एक्स है। अब दूसरा आप ही बता देंगे, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, तो सामने ही लिखा है वाई। तो एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कहा जाए तो उसी की पावर जो होती है वही होती है उसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर। तो अगर ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कहा जाए तो यहाँ पे एक्स आएगा, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कहा जाए तो वाई आएगा, ओवरऑल ऑर्डर कहा जाए तो आपका एक्स प्लस वाई आएगा। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से कि ऑर्डर जो है किसी एक रिएक्टेंट के भी रेस्पेक्ट में पूछा जा सकता है और वो आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शंस हमें पढ़नी है। जैसे कि मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर, एक सेकंड, कोई एक रिएक्शन है जिसका ऑर्डर जो है वो वन आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सीधी सी बात है जो कि हमें पढ़नी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। किसी की रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ऑर्डर टू आया तो उसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, है ना, ऑर्डर रिएक्शन। किसी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो आया तो उसको हम क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यही तीन रिएक्शन हमें पढ़नी है, हमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये तीन रिएक्शन हमें पढ़नी है और अच्छे से अभी से दिमाग में बिठा लो कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, और सबसे आसान भी यही है, आप ये कह सकते हैं कि सबसे आसान भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, ठीक है। तो सबसे आसान जो है उसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए, है ना, तो इसके लिए आसान है, ठीक। तो ऑर्डर अगर वन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, सेकंड टू है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो है तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तीनों हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं वो रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। लिख दे देते हैं यहीं पे, एग्जांपल लिख देते हैं, या अभी तो पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तब एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। तो ये इतना आप कॉपी कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी कर लो जो भी करना है। तो इरेज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था रेट लॉ, है ना, रेट लॉ क्या कहता है, आर इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई, जहाँ पे x और y एक्सपेरिमेंट के द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं और x और y ऐड कर दो तो हमारा ऑर्डर आ जाता है ना। यहाँ पे k काफ़ी इंपॉर्टेंट है, k को हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट, और k की यूनिट जो है ये हमें काफ़ी कुछ बताती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑर्डर, तो यहाँ लिखते हैं यूनिट ऑफ k। तो कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे k की जो यूनिट होती है उसको देख के आपको बताना होगा कि ऑर्डर कौन सा है, ठीक है। अब अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसके लिए के की यूनिट होगी मोल पर लीटर पर सेकंड, ये के की यूनिट होगी जीरो ऑर्डर के लिए। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए के की यूनिट होगी पर सेकंड, ठीक है, एस की पावर माइनस वन यानी पर सेकंड। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो मतलब के की यूनिट होगी मोल माइनस वन लीटर पर सेकंड, ठीक, तो पर मोल लीटर पर सेकंड आप इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये के की यूनिट्स हैं और के की यूनिट आपको देख के पहचानना होगा कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर मोल पर लीटर पर सेकंड है तो जीरो ऑर्डर, पर सेकंड है तो फर्स्ट ऑर्डर, और मोल पर लीटर सॉरी पर मोल लीटर पर सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको ऑर्डर नहीं बताता, सिर्फ यूनिट के की दी हुई होती है। तो कौन से ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, जीरो ऑर्डर का लगाना है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, यूनिट के की देख के, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, के की यूनिट अलग अलग रिएक्शंस के लिए अलग अलग होती हैं, ठीक। अच्छा, रिएक्शंस भी दो तरह की होती हैं, यहाँ देखते हैं, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। रिएक्शंस जो होती हैं ये भी दो तरह की होती हैं, अगर उनके स्टेप की बात की जाए तो कुछ रिएक्शन जो होती हैं वो सिंगल स्टेप में ख़त्म हो जाती हैं, एक ही बार में हो जाती है, एक ही स्टेप की रिएक्शन होती है, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। कुछ रिएक्शंस होती हैं जो कि मल्टी स्टेप में चलती हैं, कई सारी स्टेप में चलती हैं, उनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन जो है हमारी, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, ये एक ही स्टेप में चलती हैं, और ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं ये मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं, ये कई स्टेप में चलती हैं,
तो कई छोटी छोटी रिएक्शन होती हैं, तब जाके कहीं प्रोडक्ट बनता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में। ठीक ठीक है, ये दो तरह की रिएक्शन होती हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपना, जो कि है मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी का पहले आप मैं डिफिनेशन लिखूंगा, क्योंकि डिफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है थोड़ी, तो आप डिफिनेशन से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट्री। तो एलिमेंट्री मैंने लिखा मतलब सिंगल स्टेप वाली रिएक्शंस जो हैं उनके लिए मॉलिक्यूलरिटी मायने रखती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी मायने नहीं रखती। क्यों नहीं रखती, अभी हम पढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड, जो कि आपस में कोलाइड करती हैं, कोलिजन की वजह से ही तो रिएक्शन होती है, बॉन्ड बनते हैं, बॉन्ड टूटते हैं कोलिजन की वजह से। विच कोलाइड साइमल्टेनियसली मतलब साथ में, एक साथ कोलाइड करती हैं साइमल्टेनियसली टू मेक अ रिएक्शन हैपन, जिससे कि एक रिएक्शन होती है। तो ये होती है हमारी मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी में नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज यहाँ पे मॉलिक्यूल एटम कुछ भी आप ले सकते हो। तो मतलब मॉलिक्यूल मान लो हम लेके चल रहे हैं, तो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक साथ, जिससे कि रिएक्शन हो रही, इसी को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। अब इसके बेसिस पे दो तीन तरह की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थोड़ी जगह है ये कर लेते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन होती है जिसमें एक ही मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, एक ही मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, बेसिकली टूट जाता है और प्रोडक्ट दे देता है, उसको हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। का एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि हमारे पास है NH4NO2 जो है ये क्या करता है, डिसइंटीग्रेट करता है, कह लो टूट जाता है, टूट के क्या बनाता है N2+2H2। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन कितने मॉलिक्यूल्स के द्वारा हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल जो है रिएक्टेंट में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, इसी वजह से यूनिमॉलिक्यूलर। दूसरी तरह की रिएक्शन जो होंगी वो होंगी बाई मॉलिक्यूलर जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल जो हैं, या सेम मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं अलग अलग है ना, ऐसा नहीं कि दो बाई मॉलिक्यूलर में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे, हो सकता है दो सेम मॉलिक्यूल्स ही आपस में रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी लेते हैं, बाई मॉलिक्यूलर में दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे, जैसे कि HI+HI। देखो यहाँ पे दोनों रिएक्शन जो है सेम मॉलिक्यूल के बीच में हो रही, 2HI आप यहाँ पे लिख सकते हो सीधा। ठीक है, या आप लिख दो HI+HI, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो 2HI। तो इस एग्जांपल को NCERT ने दिया है और मैंने भी इस एग्जांपल को लिया है, क्योंकि कभी कभी आप सोचते हैं कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि सिर्फ HI है, लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं HI के, तो ये बाई मॉलिक्यूलर है। ठीक, दो HI जो है ये टूटता है और H2, दो HI आपस में रिएक्ट करते हैं और बनता है H2+I2। ठीक, तो ये बाई मॉलिक्यूलर है क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। तीसरी है ट्राई मॉलिक्यूलर मतलब तीन मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करेंगे एक साथ, जिससे कि रिएक्शन होगी, जैसे कि 2NO+O2। टोटल तीन मॉलिक्यूल हो गए, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और दो NO मॉलिक्यूल, तो दो और एक तीन है ना, तो टोटल यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स है, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन ही है। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे 2NO2 बन जाता है। ठीक है, NO2 बन जाएगा। तो यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से ये अलग अलग तरह की रिएक्शन होती हैं। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो कर दिया होगा, मैं इरेज करूँ। ठीक है, तो अभी हमने यूनिमॉलिक्यूलर पढ़ा, बाई मॉलिक्यूलर, ट्राई मॉलिक्यूलर। क्या तीन से ज़्यादा भी मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। हो सकता है किसी रिएक्शन में चार चीज़ें कोलाइड कर रही हूँ और कोई प्रोडक्ट बन रहा हो, लेकिन तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप NCERT देखेंगे, आपको 99% रिएक्शन जो है वो मॉलिक्यूलरिटी 3 पे मिलेगी, एक आध रिएक्शन हो सकता है चार मॉलिक्यूलरिटी पे जा रही हो। तो यहाँ पे NCERT ने खुद लिखा है कि मॉलिक्यूलरिटी मोर देन थ्री इज रेयर। तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलरिटी का पाया जाना बहुत ही रेयर है।
ठीक है, फिलहाल हमारे सिलेबस में मेरे ख्याल से है भी नहीं। तो तीन से ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी का होना बहुत ही रेयर है, बहुत कम पाई जाती है। अगला एक और पॉइंट है, मतलब एक रिएक्शन हम ले रहे हैं जो कि है ए गिव्स डी, ठीक है, लेकिन ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें टोटल तीन रिएक्शन हो रही है। हम मान रहे हैं पहला स्टेप था ए से बी बना, ए से बी बना, दूसरे स्टेप में बी से सी बना, और तीसरे स्टेप में सी से डी बना। तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है जिसको हमने दिखाया ए गिव्स डी डायरेक्ट। तो ये तीन स्टेप में हो रही है रिएक्शन। अब यहाँ पे देखो, कोई पूछे आपको कि मॉलिकुलरिटी कितनी है, इस रिएक्शन की मॉलिकुलरिटी कितनी है, तो यहाँ पे मॉलिकुलरिटी को डिफाइन आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, अगर सिंपल हम रिएक्शन देखें तो सिर्फ मॉलिकुलरिटी एक ही है, क्योंकि ए से डी बन जा रहा है। लेकिन अगर उसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हम तीनों पार्ट देखें तो ए भी है, बी भी है, सी भी है, तीनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बाद जाके कहीं डी बन रहा है। तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है उनके लिए मॉलिकुलरिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीच में कई चीज़ें आती हैं, ठीक है, कई स्टेप्स आते हैं और कई चीज़ें आती हैं जिनके बारे में हम बता नहीं सकते। वैसे तो ए बी सी तीनों चीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन नॉर्मली रिएक्शन आप देखें तो ए से डी बन रहा है डायरेक्ट। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी को हम नहीं डिफाइन कर सकते, एनसीईआरटी लिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक है, मॉलिकुलरिटी इज डिफाइंड डिफाइंड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। सिर्फ हम एलिमेंट्री रिएक्शंस में, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप में चलने वाली है ना, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस में हम मॉलिकुलरिटी को डिफाइन करते हैं, मॉलिकुलरिटी बताते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हम मॉलिकुलरिटी नहीं बता सकते, क्योंकि कई स्टेप होते हैं, उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसके बारे में हमें सही से नहीं पता होता है, ठीक है। तो जो मॉलिकुलरिटी होती है वो सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ में मतलब बताई जा सकती है। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे जो कि है आरडीएस। आर से रेट, डी से डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग, एस से स्टेप, इसको आरडीएस कहते हैं। आरडीएस, आरडीएस मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब अगर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मतलब आपको रेट लिखना है, नॉर्मली आप क्या करते हैं, रेट नॉर्मली लिखते हैं, रेट लॉ है ना, जैसे मान लेते हैं ए, मार्कर भी पता नहीं कैसा अजीब सा है, मान लेते हैं ए से डी गया, ठीक है, और ये तीन स्टेप की रिएक्शन है। पहला स्टेप था ए से बी बनना, दूसरा स्टेप था ए से सी बनना, सॉरी बी से सी बनना, और तीसरा स्टेप था सी से डी बनना। ये तीन स्टेप थे इस रिएक्शन में, ए से डी बनने में। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें तीन स्टेप थे। अब पूछा जाता है कि जो स्पीड होगी रिएक्शन की, या कह लो रेट होगा रिएक्शन का, वो किस स्टेप में हम बताएं, ए स्टेप की मतलब डिफाइन करें स्पीड, बी की डिफाइन करें, या सी की, किस वाले स्टेप से हम स्पीड को निकालें? क्योंकि आपको स्पीड में, रेट में आपको ये चीज़ लिखना होगा ना। एक सेकंड, इस मार्कर में कोई दिक्कत है? जब आप रेट लिखते हैं तो आपको रेट तो इस तरीके से लिखना होता है, के ए की पावर एक्स मान लेते हैं। तो अब ये आप तीनों के लिए लिख सकते हैं ना, हो सकता है पहले वाले स्टेप के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स, दूसरे वाले स्टेप के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं रेट के इक्वल टू बी की पावर वाई मान लेते हैं, तीसरे स्टेप के लिए आप इस तरीके से लिखते हैं आर रेट इज इक्वल टू के सी की पावर जेड, है ना। तो आप तो रेट तो तीनों स्टेप के लिए लिख सकते हैं, तो हम किस स्टेप को लेके चलें? और एनसीईआरटी ने इसका सिंपल सा जवाब दिया है कि मान लेते हैं एक रेस हो रही है, ग्रुप रेस हो रही है, ठीक है, मान लेते हैं, एक सेकेंड, मान लेते हैं एक ग्रुप रेस हो रही है, और उस ग्रुप में ए बी सी तीन लोग हैं, यहाँ पे भी मान लेते हैं 1 2 3 ये तीन लोग हैं। अब ये ग्रुप रेस है, मतलब जब तीनों लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे, तीनों लोग ए बी सी और ये तीनों लोग यहाँ पहुँच जाएंगे 1 2 3, तब माना जाएगा कि हाँ रेस कंप्लीट हुई। अब इस रेस का टाइम जो है वो कौन मतलब डिटरमाइन करेगा? ऑब्वियसली जो सबसे स्लो है, जो सबसे धीमा है, मान लेते हैं ए पहुंच गया, बी पहुंच गया तुरंत, लेकिन सी अभी यहाँ पे ही है, तो क्या रेस कंप्लीट हुई? नहीं कंप्लीट हो पाई। रेस तभी कंप्लीट होगी जब सी यहाँ तक पहुँचेगा। मान लेते हैं 1 यहाँ पे पहुँच गया, 3 यहाँ पे पहुँच गया, और 2 अभी यहाँ तक ही है। तो जो सबसे स्लो होगा उस पर डिपेंड करेगा कि रेस जो है कितनी कम टाइम में कंप्लीट हो रही है। ऐसे ही जब मल्टी स्टेप रिएक्शन होती हैं तो जो सबसे स्लो स्टेप होता है उसी पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन कितनी देर तक चलेगी। मान लो सबसे स्लो वाला स्टेप जो है 2 घंटे का है, तो जब तक 2 घंटे बीत नहीं जाएंगे तब तक वो अगला स्टेप जाएगा ही नहीं, पहले स्टेप पर ही रुका रहेगा। मान लेते हैं 3 स्टेप हैं, 1 2 3, और ये दूसरा वाला स्टेप सबसे स्लो है, तो मान लो पहला स्टेप हो गया,
अब दूसरे वाले स्टेप में 10 घंटे लग रहे हैं, तो जब तक दूसरा वाला कंप्लीट नहीं होगा तब तक तीसरा वाला होगा नहीं। तो दूसरा वाला जो स्टेप है यही सबसे ज़्यादा रेट को क्या कर रहा है, धीमा कर रहा है, और इसी को हम जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है इसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, तो ये आपने समझ लिया, अब हम इसको लिख लेते हैं। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस कॉन्सेप्ट के लिए, मतलब किस में यूज़ किया जाता है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस में ना। नॉर्मल रिएक्शन में मॉलिक्यूलर जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनमें हमें आरडीएस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ अ रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिख लो, है ना, किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिटरमाइंस द ओवरऑल रेट रेट ऑफ द रिएक्शन। उस रिएक्शन का ओवरऑल रेट जो है वो सबसे स्लो वाला स्टेप डिटरमाइन करता है, और इसीलिए उसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो किसी भी रिएक्शन में अगर 10 पार्ट दे रखें कि 10 स्टेप में रिएक्शन हो रही है, तो रेट अगर आपको निकालना है तो आपको किसका कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा, जो स्टेप सबसे धीमा चल रहा है उसका कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक, जैसे अभी हमने आर की वैल्यू लिखी थी ना, आर इज्कल टू के ए की पावर एक्स, आर इज्कल टू के बी की पावर वाई। मान लेते हैं बी वाली स्टेप जो है वो सबसे स्लो है, तो आप इस इक्वेशन को यूज़ करके उस रिएक्शन के लिए रेट निकालेंगे, इस वाले इक्वेशन को रेट के लिए नहीं यूज़ कर सकते। ठीक, तो वही स्टेप हम यूज़ करेंगे जो कि सबसे स्लो है, ये होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक, अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं पहले सेंटेंस लिख दे रहा हूँ फिर आपको समझाते हैं। मॉलिकुलैरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, जो सबसे स्लो होता है उस स्टेप की जो मॉलिकुलैरिटी होती है, इज इक्वल टू, ये इक्वल टू का साइन है। ठीक है, मतलब मैं लिखने के बजाय साइन लगा दे रहा हूँ। मॉलिकुलैरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, मतलब जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसकी जो मॉलिकुलैरिटी होगी वही ओवरऑल रिएक्शन का, यानी पूरे रिएक्शन का वही ऑर्डर होगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेता हूँ, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ H2O2। तो हमारे पास 2H2O2 है, ये आई माइनस के प्रेजेंस में टूट रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है, यानी टूट रहा, और इससे हमें मिल रहा है 2H2O+O2, ये हमें मिल रहा है, ये रिएक्शन है। अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि दो स्टेप में चल रही है, जहाँ पर पहला स्टेप जो है वो है मतलब H2O2 का I2 से रिएक्शन, H2O2 प्लस I माइनस गिव्स H2O प्लस IO माइनस, हाँ IO माइनस। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है, और दूसरा स्टेप जो है वो आगे चलेगा H2O2 प्लस IO माइनस, मतलब अब ये जो प्रोडक्ट बना है IO माइनस, ये H2O2 से रिएक्ट करेगा और फिर बनेगा H2O प्लस I माइनस प्लस O2। तो ये दो स्टेप की रिएक्शन होती है H2O2 का डिसइंटीग्रेशन। अब एनसीईआरटी ने बताया है कि जो इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाला गया, इस रिएक्शन का जब ऑर्डर निकाला गया तो ऑर्डर आया 2 निकाला गया, मतलब ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली हमने एक्सपेरिमेंट करके निकाला है ऑर्डर को। ठीक है, तो जब इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाला गया तो 2 आया। अब ये कहेंगे कि कैसे आया, तो कैसे कैसे मतलब एक्सपेरिमेंट से आया ना, तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑर्डर कैसे आ गया 2, ये तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकल सकता है, हम निकाल नहीं सकते। ठीक, और एनसीईआरटी ने खुद बताया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 2 आया। ठीक है, अब इसमें दोनों में से कौन सी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, एनसीईआरटी ने कहा सबसे स्लो ये स्टेप चलता है, तो यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये आरडीएस है। तो पहली रिएक्शन जो है ये सबसे स्लो चल रही है, इसी वजह से इसको आरडीएस कहते हैं। अब जो है सेंटेंस जो मैंने लिखा है वो देखो, मॉलिकुलैरिटी ऑफ स्लोवेस्ट स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिकुलैरिटी जो होगी वो ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, मतलब ओवरऑल रिएक्शन के ऑर्डर के बराबर होगा। स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिकुलैरिटी देखो 2, एक H2O2 एक I माइनस, 2 मॉलिकुलैरिटी है स्लोवेस्ट स्टेप की। ऑर्डर क्या है ओवरऑल रिएक्शन का, 2, जो कि एनसीईआरटी ने आपके सामने दिया है। तो इस रिएक्शन से आपको ये सेंटेंस समझ में आता है कि जो स्लोवेस्ट स्टेप की मॉलिकुलैरिटी होती है वही ऑर्डर होता है ओवरऑल रिएक्शन का। तो अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन ये आपको दे रखी है कि हर एक स्टेप की रिएक्शन दे रखी है, तो आप जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसको देख के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। ठीक, आपको मान लो एग्जाम में ये दे दिया कि ये रिएक्शन होती है और इसके ये दोनों स्टेप होते हैं,
बताओ ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। तो आप देखो सबसे स्लो स्टेप कौन है, सबसे स्लो ये वाला स्टेप है, और जो सबसे स्लो स्टेप है उसी की मॉलिकुलरिटी को देख लो, इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है, दो, एक एच टू ओ टू, एक आई माइनस, और दो ही ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ पर सेंटेंस बन जाता है ये, जो कि आपको याद रखना होगा कि स्लोएस्ट स्टेप की मॉलिकुलरिटी जो है वही ऑर्डर होता है ओवरऑल रिएक्शन का। ठीक, तो ये नोट कर लो, फिर हम एक कंपेरिजन करेंगे ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं। ठीक है, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में कंपेरिजन अब करेंगे। तो एक लाइन खींच देते हैं, इधर हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इधर हम लिखते हैं मॉलिकुलरिटी। ठीक, मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर, अब इसमें देखेंगे। देखो ऑर्डर जो होता है ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन होता है। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, इसको सिर्फ हम एक्सपेरिमेंट से निकाल सकते हैं। मॉलिकुलरिटी जो है हम बैलेंस केमिकल रिएक्शन में देख लेंगे कि कितनी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, वही मॉलिकुलरिटी है। कोई भी रिएक्शन हमें दे रखी है हम उसको बैलेंस करके देख लेंगे कि कितनी चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल देख लो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। एक नाइट्रोजन, तीन हाइड्रोजन, मॉलिकुलरिटी कितनी, चार। ठीक, तो मॉलिकुलरिटी को हम थ्योरेटिकली भी निकाल सकते हैं, हम बैलेंस रिएक्शंस को देख सकते हैं, बस देख लेंगे आ जाएगा आंसर। तो कैन बी फाउंड यूजिंग बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इसको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को के हिसाब से निकाल सकते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक है, दूसरी चीज ऑर्डर जो है ये जीरो भी हो सकता है, आपको पता है, कैन बी जीरो और फ्रैक्शन, ऑर्डर जो है वो जीरो भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मॉलिकुलरिटी है जीरो नहीं हो सकती ना, अगर मॉलिकुलरिटी जीरो है मतलब कोई स्पीसीज नहीं है, जब कोई स्पीसीज ही नहीं है तो कौन सा रिएक्शन है, तो मॉलिकुलरिटी जीरो नहीं हो सकती, इसके अलावा फ्रैक्शन भी नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कह सकते, मान लेते हैं ये पूरा H2 है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आधा H2 हमारे रिएक्शन में है बाकी आधा H2 एनवायरनमेंट में घूम रहा है, मतलब हाइड्रोजन तोड़ दिया आपने, ऐसा नहीं कह सकते आप। H2 आएगा तो पूरा का पूरा साथ में आएगा, तो यहाँ पे फ्रैक्शन होने के चांसेस भी नहीं है और जीरो भी नहीं हो सकता। मॉलिकुलरिटी कांट बी जीरो और फ्रैक्शन, ना ये जीरो हो सकता है ना ये फ्रैक्शन हो सकता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आधा हाइड्रोजन हमारे मतलब आधा हाइड्रोजन जो है वो हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक, तीसरी चीज ऑर्डर जो है ये आप किसी भी रिएक्शन के लिए लगा सकते हैं। अच्छा एक पॉइंट शायद मैं लिखना भूल गया हूँ ना, ऑर्डर अगर नहीं बताया मैंने अभी तो बताया कि ऑर्डर अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एक ऑर्डर बताना है तो आप स्लोवेस्ट स्टेप देखेंगे, उस स्लोवेस्ट स्टेप से ऑर्डर को निकालेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर जो है कैन बी फाउंड नहीं डिटरमाइंड लिखते हैं, कैन बी डिटरमाइंड इन बोथ एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों तरह के रिएक्शन के लिए ऑर्डर को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में तो सामने ये मतलब जो है आपको एक्सपेरिमेंट तो दोनों में करना पड़ेगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो आपका स्लोवेस्ट स्टेप है उसको यूज करेंगे आप। ठीक, मॉलिकुलरिटी में क्या है, मॉलिकुलरिटी में आप एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिकुलरिटी निकाल सकते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है उसके लिए मॉलिकुलरिटी कोई मायने नहीं रखती। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ठीक, तो ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिकुलरिटी जो है उसका कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, ऑर्डर को निकालने के लिए बहुत ही आसान है, आपको रेट लॉ देखना पड़ेगा, रेट लॉ देखना पड़ेगा ऑर्डर को निकालने के लिए, जहाँ पे आर स्क्वायर टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई है, एक्स और वाई एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया गया है। तो अगर आपको ऑर्डर निकालना हो तो आप सीधा एक्स प्लस वाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मॉलिकुलरिटी में भी एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि साइमल्टेनियसली चीज़ें कोलाइड करनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिकुलरिटी निकालने के लिए आप देखेंगे कितनी चीज़ें साथ में कोलाइड कर रही हैं, एक साथ में, नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन।
साइमल्टेनियस कोलिजंस ऑफ स्पीसीज। स्पीसीज मतलब यहाँ पे जैसे रिएक्शन में ऑब्वियसली देखो मॉलिक्यूल्स भी आ सकते हैं रिएक्शन में, हो सकता है रिएक्शन में एलिमेंट है सिर्फ कोई, मान लो एटम ही है तो मॉलिक्यूल हो सकता है, मतलब एटम भी हो सकता है और आयंस भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से स्पीसीज लिख दिया जाता है। ठीक है, रिएक्शन में तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है ना, आपका मेटल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजंस ऑफ स्पीसीज इसको देख के आप मॉलिक्यूलरिटी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंस करना हो तो आप ये चार पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, बोर्ड्स में तो काफ़ी पूछा जाता है ये, नीट में भी आप क्योंकि सर्सन रीजन के क्वेश्चन आने लगे इस वजह से ये आपको जानना जरूरी था, इसी वजह से मैंने कराया, नहीं तो नीट के लिए पहले तो ये कुछ खास मायने नहीं रखता था, लेकिन अब मायने रखता है काफ़ी ज़्यादा क्योंकि सर्सन रीजन के क्वेश्चन काफ़ी आने लगे हैं। ठीक, तो इतना नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा नोट, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको मैंने बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, इसमें से जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो शुरू करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक, जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं तो जो रिएक्शन होती है उसको लिखने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है, वो आपको पता होना चाहिए। देखो नॉर्मली क्या होता है, रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, ये तो होता है, कुछ रिएक्टेंट होते हैं जो कि आपस में रिएक्ट करते हैं जिससे हमें प्रोडक्ट मिलता है। अब हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि टी स्क्वायर टू जीरो पे, टी स्क्वायर टू जीरो मतलब इनिशियल टाइम पे जब हमने शुरू की रिएक्शन, उस समय पे जो हमारा कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का वो ए नॉट था। ठीक, ए नॉट हमारा कंसंट्रेशन है एट टाइम जीरो, टाइम जीरो मतलब जब हमने रिएक्शन को शुरू किया तब कंसंट्रेशन ए नॉट था। टी टाइम बीतने के बाद, टी स्क्वायर टू टी हो गया, मतलब टी टाइम बीतने के बाद जो हमारा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो ए टी हो गया। ठीक, तो ये ए नॉट क्या है, शुरुआत में जो हमने कंसंट्रेशन लिया था, टोटल हमने कितना लिया था कोई चीज, है ना। ए टी क्या है, बचा हुआ कंसंट्रेशन एट टाइम टी, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ए नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन और ए टी इज कंसंट्रेशन एट टाइम टी, टी टाइम पे कितना बचा हुआ है। तो ए टी को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, बचा हुआ, ये बचा हुआ कंसंट्रेशन, हिंदी में याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो टी टाइम पे कितना बचा है कंसंट्रेशन, वो ए टी, ये आपको याद रखना होगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, मतलब इस ऑर्डर का जो, सॉरी, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो जीरो है, है ना, तो हम इसके लिए रेट लॉ कैसे लिख सकते हैं, रेट इक्वल टू के ए की पावर जीरो। पावर मैंने जीरो क्यों लगाई, क्योंकि जो पावर होती है वही ऑर्डर होता है और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर जीरो होगी ऑब्वियसली। अच्छा, किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, यानी यहाँ पे रेट इक्वल टू के आ जाएगा, है ना, ये तो वन हो गया, वन मल्टीप्लाई के बचेगा के ही। तो ये देखो रेट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलें, अगर हमने मान लो शुरुआत में 5 किलो कंसंट्रेशन लिया है रिएक्टेंट का, 5 किलो हमने रिएक्टेंट लिया है, ठीक है, तब हमने देखा कि रेट एक्स था। अगर हम 2.5 किलो रिएक्टेंट जब बचेगा, रिएक्शन हो रही है, जब 2.5 किलो रिएक्टेंट बचा तब रेट कितना होगा, अभी भी एक्स होगा। जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक ही किलो बचा तब भी अभी भी रेट एक्स होगा। जब रिएक्टेंट हमारे पास 0.001 केजी बचा तब भी हमारा जो रेट होगा रिएक्शन का वो एक्स ही होगा। तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का उस पर हमें केजी में नहीं मोल पर लीटर में लेते हैं, तो इसको मोल पर लीटर में ले लेते हैं, मानते हैं शुरुआत में हमारा 5 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर हमारा रिएक्टेंट था, उस समय जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्स थी। फिर हमारे पास 2.5 मोल पर लीटर बचा कुछ टाइम बाद, तब भी रिएक्टेंट जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो एक्स ही रहेगी। फिर हमारे पास मान लेते हैं 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बचा रिएक्टेंट का, तब भी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन एक्स ही होगा। 0.001 मोल कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन बचा, तब भी हमारा जो रेट होगा रिएक्शन का वो एक्स ही होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, और ये आपको सामने दिख रहा है रेट यहाँ पे कांस्टेंट है, जो रेट शुरुआत में है वही रेट पूरी रिएक्शन के थ्रू आउट रहेगा। ठीक, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले हैं। अच्छा, ये चीज मैं लिख देता हूं पहले कि रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीज आप भी लिख लीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ
रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, ये चीज आप भी लिख लेना ठीक है। तो अब इस ऑर्डर में, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, और वो तीन फॉर्मूले कहाँ से आए कैसे आए उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आपको उनको रटना है क्योंकि उनपे क्वेश्चन आते हैं ठीक है। और वही तीन फॉर्मूले हम फर्स्ट ऑर्डर में भी पढ़ेंगे ठीक। तो पहला फॉर्मूला देखते हैं, पहला फॉर्मूला है हमारा ए एट टाइम टी, यानी ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये फॉर्मूला हमें क्या बताता है, इस फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि टी टाइम बाद कितना कंसंट्रेशन बचा है ठीक। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के रेट कांस्टेंट है, और टी जो है वो टाइम है जिसके बाद हम कंसंट्रेशन को निकालना चाह रहे हैं। तो ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, ये पहला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मतलब चेंज कर रहे हैं। तुम सोचो अगर हम इसको फॉर्मूले को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ठीक है, के टी हम उधर ले जा रहे हैं और ए टी इधर ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा के टी, के टी उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा ना, के टी इक्वल टू, और ए टी इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगा, ए नॉट माइनस ए टी ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टाइम, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टाइम टी, ये हो जाएगा के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टाइम टी, ये अपना दूसरा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम रेट कांस्टेंट यानी के को निकाल सकते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये भी याद है, क्योंकि दोनों बस एक स्टेप का डिफरेंस है, दोनों एक ही दूसरे से आए हैं ठीक। तीसरा फॉर्मूला है हाफ लाइफ का, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ हम पहले लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं ठीक है। तो हाफ लाइफ जो होती है वो टाइम होता है जिस समय आधा जो है रिएक्टेंट का आधा कंसंट्रेशन जो है खत्म हो जाता है ठीक। तो रिएक्टेंट जो है वो सिर्फ आधा बचता है, आप ये कह सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसी फॉर्मूले से हम हाफ लाइफ को भी निकाल सकते हैं। देखो के इक्वल टू ए नॉट, शुरुआत में ए नॉट था कंसंट्रेशन, अब कितना बचा हुआ है, आधा बचा हुआ है, आधा खत्म हो गया रिएक्टेंट ठीक। तो ए टी जो है बेसिकली वो शुरुआत का आधा हो गया, ए नॉट बाई टू ठीक। तो हाफ लाइफ में क्या होता है कि कंसंट्रेशन आधा बचता है, इसी वजह से हमने शुरुआत का आधा कर दिया, अपॉन टी के जगह पे हमने टी हाफ लिख दिया क्योंकि हम हाफ लाइफ निकालना है ठीक। अब टी हाफ इधर भेज दो, के इधर ले आओ, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट, अच्छा ए नॉट माइनस ए नॉट बाई टू आप करोगे तो ए नॉट बाई टू बचेगा, अब करके देखना ठीक है, टू ए नॉट माइनस ए नॉट अपॉन टू, तो ए नॉट बाई टू बचा यहाँ पे, ए नॉट बाई टू अपॉन के, या कह लो ए नॉट बाई टू के, ये हमारा हाफ लाइफ का फॉर्मूला आ गया। तो तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हाफ लाइफ का फॉर्मूला जो कि है टी हाफ इक्वल टू टी वन बाई टू लिखा हुआ है ठीक है, ये समझ जाओगे है, टी हाफ इक्वल टू कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट अपॉन टू के, ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है हाफ लाइफ का ठीक। तो ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास, और ये तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है तीनों एक ही से हैं, इसी फॉर्मूले से तीनों डिराइव हो जाएंगे, लेकिन तीनों आपको याद रखना है ठीक है, ऐसा डेरिवेशन ना करना एग्जाम में ठीक। तो ये तीन फॉर्मूले हो गया, तीनों कैसे आए ये भी मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ पे हाफ लाइफ की डेफिनेशन में जा लिख देता हूँ ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता है, वो टाइम ठीक है, टाइम इन विच कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, जब कंसंट्रेशन आधी हो जाए ठीक है, इनिशियल के आधी हो जाए उसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। बेसिकली जब कंसंट्रेशन आधा हो जाए तब हम हाफ लाइफ कह सकते हैं ठीक है। तो ये हाफ लाइफ होती है, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको पता है टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के ठीक, ए नॉट बाई टू के ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का ठीक। तो अब आपको ये सारी चीजें दिखती है, अब एक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। देखो एक चीज तो पता होगा आपको कि रेट जो है वो सिर्फ कॉन्स्टेंट है, वो आपका मतलब कंसंट्रेशन पे नहीं डिपेंड कर रहा, ना ए नॉट पे डिपेंड कर रहा, ना ए टी पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है हमने कितना शुरू में लिया था कितना बाद में बचा, इससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ रहा क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट है। तो अगर कभी ऐसा ग्राफ आपके पास आ जाए, ऐसा ग्राफ आ जाए आपको, और बताया है आपको क्या बताना है, रेट बताना है, यहाँ पे हमने रेट दे दिया और यहाँ पे उन्होंने बोला है कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन इधर आगे आते हुए बढ़ रहा है और इधर रेट दे दिया है। तो क्योंकि रेट और कंसंट्रेशन आपस में डिपेंड नहीं कर रहे, रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आएगी क्योंकि रेट यहाँ पे कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ाते चले जाओ रेट कांस्टेंट रहेगा। तो रेट और कंसंट्रेशन पे ये ग्राफ रहेगा यहाँ पे ठीक। एक और ग्राफ, दूसरा ग्राफ जो है वो है
ए यानी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, और ये ग्राफ जो है वो आप इससे निकाल सकते हो, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन ए टी और यहाँ पे जो टाइम है इसको वाई मतलब एक्स एक्सिस पे दे रहे हैं। अब ये ग्राफ आप बनाओगे, ये स्ट्रेट लाइन आएगा, उससे आपको पता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा यहाँ पे। तो ये ए नॉट जो है ये सी की तरह काम करेगा, और यहाँ पे एम जो है वो माइनस के होगा और एक्स जो है वो टी होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार, देखो लिखा हुआ है ए एट टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये हमारा वाई है, ये हमारा सी है, और माइनस के जो है, माइनस के जो है ये हमारा सॉरी हाँ ये इंटरसेप्ट है, और ये हमारा एम है, एम मतलब स्लोप, ठीक है, और ये जो टी है ये हमारा एक्स है। तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ग्राफ है, ठीक, और एम क्या है माइनस के बराबर है। तो कभी भी ए नॉट और सॉरी ए और के टी के बीच में आ जाए मतलब रिलेशन, तो आपको ऐसे स्ट्रेट लाइन बनानी है नीचे जाते हुए, नीचे जाते हुए, क्योंकि स्लोप जो है नेगेटिव है, माइनस के है स्लोप, ठीक। तो अगर इसका स्लोप कोई पूछे तो एम इक्वल टू माइनस के, एम मतलब होता है स्लोप, स्लोप जो है वो माइनस के बराबर है। तो ये दोनों ग्राफ इसमें आपको हो जाते हैं, ठीक। ये हो गई हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इस रिएक्शन में आपको सारी दिखी है सामने, ठीक। अच्छा मेरी आवाज़ बहुत ख़राब रही होगी ना, एक्चुअली माइक अलग रखा हुआ था, मैं माइक में अभी तक बोल ही नहीं रहा था। चलो ठीक है, अब तो रिकॉर्ड हो गया, अब सही करने का कोई मतलब नहीं, दोबारा पूरा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, नहीं अगर मैं देख लूँगा अगर आवाज़ सही होगी तो मैं ऐसे ही अपलोड कर दूंगा। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ले लिया होगा स्क्रीन शॉट, तो अब आते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो वन है, ठीक। अब इसके लिए रेट लॉ लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, आर इक्वल टू ये आर है, ठीक है, आर इक्वल टू के ए की पावर वन, है ना, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है और इसी की पावर ही तो ऑर्डर देती है, तो ए की पावर वन हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रेट जो है वो ए पे डिपेंड कर रहा, अभी जीरो ऑर्डर में आपने देखा था रेट ए पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। एक्चुअली सनलाइट की रोशनी में मैं मतलब रिकॉर्ड करता हूँ, और सनलाइट धीमी और तेज होती रहती है, तो इसी वजह से वीडियो में ब्राइटनेस कभी काफ़ी कम हो जाती है, कभी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ये दिक्कत आती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम कर रहे हैं जिसमें रेट इक्वल टू के ए की पावर वन, हम आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर को शो करता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था हम तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, यहाँ पर भी वही तीन फॉर्मूले पढ़ेंगे, ए का टी टी हाफ का और के का, ये तीन फार्मूले हम पढ़ेंगे। तो वो तीन फार्मूले पहले आपको पता होने चाहिए। पहला फार्मूला है आपके पास जब हम ए निकालना चाहते हैं मतलब कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं टी टाइम, तो ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ये होता है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ टाइम टी निकालने का फार्मूला। तो ये हमारा पहला फार्मूला ए टी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है। ई क्या है, लॉग बेस ई आपने पढ़ा होगा, या ई एक्सपोनेंशियल इसको कहते हैं, है ना। तो e की पावर माइनस के टी, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, ठीक है। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं क्वेश्चन लगाऊंगा आपसे, ठीक है, मतलब मैं खुद लगाऊंगा, आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहला फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला भी इसी से डिराइव्ड है, इसी से डिराइव होकर दूसरा फार्मूला भी आया, लेकिन डेरिवेशन थोड़ा लंबा है तो हम करेंगे नहीं, ठीक है। तो दूसरा फार्मूला के का है हमारा, के अगर हम निकालना है, एक सेकेंड, अगर हमें के निकालना है, के का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन है, ठीक। तो के इसको 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। अब यहाँ पे बात आ जाती है लॉग की, कुछ लोग कहते हैं लॉग सॉल्व नहीं होता है, तो अभी दो मिनट रुको, इसके जस्ट बाद मैं आपको लॉग थोड़े बहुत बताऊंगा, ठीक है, जिससे आपको लॉग जो है बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो आ जाएगा, ठीक। बहुत ज़्यादा हाई लेवल को तो ऑब्वियसली हमें करना नहीं है, हम मैथ लेते नहीं है, है ना, बायो वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन बेसिक लेवल का और लॉग बहुत आसान है जो हमारे सिलेबस में आता है, जो नीट में आता है या फिर जो केमिस्ट्री में नॉर्मली आता है क्लास 12 बोर्ड के केमिस्ट्री में, वो बहुत आसान है, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला दूसरा याद रखना, के स्क्वायर टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ए नॉट मतलब टोटल हमने कितना दिया था इनिशियल में, और ए टी मतलब टी टाइम बाद कितना बचा हुआ है। ठीक, ये अब टी हाफ का फॉर्मूला तीसरा आता है, और आपको पता है टी हाफ का फॉर्मूला आप इसी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे टी के जगह टी हाफ रख दो, यहाँ पे ए नॉट लिखो, और ए टी के जगह पे ए नॉट बाई टू लिख दो, क्योंकि आधी कंसंट्रेशन बची है, तो ए नॉट बाई टू लिख दो। इसको सॉल्व करोगे फॉर्मूला आ जाएगा, टी हाफ का फॉर्मूला आएगा 0.693 अपॉन के, ये टी हाफ का फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज़ मैंने शुरुआत में ही बताया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आपको दिखते हैं वो इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से दिखते हैं, इससे आते हैं लेकिन काफ़ी कम आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड की भी कर रहे हैं, बोर्ड में भी ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टी हाफ का और के का, तो ये दोनों बहुत अच्छे से रट लेना, ये भी रट लेना, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में आते हैं इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आपको दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन बातें और कर लेते हैं, जैसे कि पहली बात हम कर लेते हैं ग्राफ की, अगर इस वाली इक्वेशन के लिए ग्राफ पूछा जाए, ग्राफ पूछा जा रहा है लॉग ए नॉट अपॉन ए टी पे। ठीक है, ए कुछ दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाओ, फिर से लिख देते हैं। ग्राफ पूछा जा रहा है लॉग ए नॉट अपॉन ए टी पे, ये हमारा वाई एक्सेस पे हमने लिया है और टी लिया है हमने एक्स एक्सेस पे। ठीक है, ये वाई एक्सेस पे और ये एक्स एक्सेस पे, इसके ऊपर ग्राफ पूछा है, तो अगेन वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला ही ग्राफ आएगा। आपको क्या करना है, ये इधर रहने देना है, टी इधर भेज देना है। ठीक है, और 2.303 भी इधर भेजना है, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, के इंटू टी, टी इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 2.23 इधर जाएगा तो डिवाइड में, 2.303 इज इक्वल टू लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक, ये हमारा क्या है, वाई है, इसको हमने वाई लिया है, इक्वल टू ये हमारा एम एक्स है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, टी, एक्स एक्सेस पे हमने टाइम ही तो लिया है, तो ये हमारा ये टी जो है ये एक्स है, और ये बाकी बचा हुआ यानी के अपॉन 2.303 ये हमारा एम है। ठीक, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, और क्योंकि कोई इंटरसेप्ट नहीं है तो ग्राफ जो है वो ओरिजिन से शुरू होगा, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। कुछ कोई पूछे यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, m मतलब स्लोप, तो स्लोप की वैल्यू k अपॉन 2.303 यह हमारा स्लोप की वैल्यू होगी। ठीक, तो ये ग्राफ आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, मतलब एक न्यूक्लियस होता है जो कि अनस्टेबल होता है, वो रेडियो वेव इमिट करके स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीके आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। इसीलिए रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे, आपको ये फॉर्मूला तीनों फॉर्मूला फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है ना, तो उसमें आपको देखना होगा कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीके होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। ठीक, दूसरी चीज़, एक और एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है तो आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन। ईथीन क्या होता है, C2H4, इसमें डबल बॉन्ड होंगे, इसका हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, हाइड्रोजनेशन मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड कर देना, हाइड्रोजन हमने ऐड कर दिया, ये हो गया C2H6, इसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक, तो ईथीन से ईथेन बन गया, जो हाइड्रोजनेशन होता है ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इसका रेट अगर आप लिखना चाहें तो ये होता है के C2H4 की पावर 1। ठीक, ये रेट लॉ है इस रिएक्शन के लिए, तो हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक, अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा, वहाँ पे भी हमने ए नॉट और ए टी को कंसंट्रेशन कहा, यहाँ पे भी हमने ए नॉट और ए टी को कंसंट्रेशन कहा, लेकिन कहीं पे गैस दे रखी हो तो गैस का आपको प्रेशर दे रखा रहता है, क्योंकि जो गैस होती है उसके लिए कंसंट्रेशन और प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसी वजह से जो गैस होती है, इन गैसेस यूज़ प्रेशर, हम प्रेशर का यूनिट रखते हैं। ठीक है,
यूज प्रेशर डेटा, जो हम प्रेशर का डेटा जो दिया रहता है वो हम रख देते हैं गैसेस में, क्योंकि गैसेस में जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए गैस के केस में हम यहाँ पे ए नॉट को हम क्या बोल देंगे, प्रेशर ऑफ गैस, है ना, इनिशियल प्रेशर ऑफ गैस, फाइनल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक, इस तरीके से हम बोल देंगे। यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और टी टाइम पे कंसंट्रेशन है, वहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन और टी टाइम पे, सॉरी इनिशियल प्रेशर और टी टाइम पे प्रेशर, ठीक है। तो गैस के केस में बेसिकली ए नॉट और ए टी की जगह पे आपको प्रेशर रख देना है, बस यही इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अब यही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस खत्म, सिंपल सा थी। लेकिन इसी क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूले हैं इन्हीं पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आदमी फंस जाता है, इसीलिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूले अच्छे से रट लो, उसके बाद जब हम क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। आप देखेंगे 99% फॉर्मूले लगाओ क्वेश्चन और आंसर ले लो, इस तरह का क्वेश्चन है, 99% क्वेश्चन ऐसे हैं, फॉर्मूले लगाओ तुरंत आंसर आएगा, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जो कि है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो मतलब झूठी, मतलब ऐसी रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर है लेकिन वो झूठी है, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगी। ये केस तब आता है जब कोई एक चीज़ हम लें बहुत ही छोटे, मतलब कम कंसंट्रेशन का, और उसके तो रिएक्ट करें किसी दूसरी चीज़ से जिसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी में दिया वही मैं ले रहा हूँ, ठीक है। CH3COOC2H5, इसको क्या पढ़ेंगे, CH3C2H5 को। C2H5 क्या होता है, मीथेन इथाइन, है ना, इथेन होगा, ये इथेन होगा, सॉरी। तो ये, और ये इसको एसीटेट कहते हैं, CH3COO- आपको पता है ना ये आयन होता है एसीटेट आयन, CH3COO-, इसको एसीटेट आयन कहते हैं। तो इसको इथाइन एसीटेट, मतलब इथेन, इथेन एसीटेट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो उतनी, मतलब उतनी नॉलेज है नहीं मुझे ऑर्गेनिक की। इथेन एसीटेट हमने लिया, इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया। अच्छा मुझे बता देना मैं सही बता रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है इसको इथेन एसीटेट कहेंगे। तो इसको हमने वाटर से रिएक्ट कराया, ठीक है, H प्लस की प्रेजेंस में। H प्लस ऑब्वियसली वाटर से ही आ जाएगा, इससे बनता है CH3COOH प्लस C2H5OH, मतलब एल्कोहल, ठीक। तो एसिटिक एसिड और एल्कोहल, ये दोनों हमारा मतलब प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन के केस में। अब यहाँ पे जब शुरुआत में हम देखें, शुरुआत में कंसंट्रेशन, मतलब हम कितनी कितनी कंसंट्रेशन लिए थे ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो शुरुआत में हम इसकी कंसंट्रेशन 0.01 मोल ले रहे थे, ठीक, ये 0.01 मोल था। H2O हमने लिया था 10 मोल, देख रहे हो कितना ज़्यादा ले रखा है हमने, 0.01 से 10 मोल कितना ज़्यादा हो गया, 10 अपॉन 0.01, ये आप मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 गुना लगभग ज़्यादा। तो मतलब जो वाटर है हमने 1000 गुना ज़्यादा ले रखा है इथेन एसीटेट से, ठीक। तो ये हमने ले रखा। अच्छा शुरुआत में ऑब्वियसली रिएक्शन तो हुई नहीं है, तो ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, अभी तो जस्ट हमने इसको ले रखा है, जैसे ही हमने मिलाया उस समय हम देख रहे हैं कि इसको हमने इतना मोल रखा है, इसको इतना मोल, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, तो ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, ठीक। टी इक्वल टू टी पे, यानी कुछ टाइम टी बीत जाने के बाद हमने देखा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये जो है पूरा का पूरा खत्म हो गया, ये जीरो मोल हो गया, और H2O जो है वो सिर्फ 0.1 मोल खत्म हुआ और 9.9 मोल अभी भी बाकी है। तो यहाँ देखो इसके कंसंट्रेशन में चेंज लगभग ना के बराबर हुआ, ये जितना था लगभग अभी भी उतना है, क्योंकि बहुत कम ही खर्च हुआ है वाटर, ठीक। अच्छा फिर ये पॉइंट जीरो वन मोल ये बन गया और 0.01 मोल ये बन गया, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो एक चीज़ का कंसंट्रेशन हमने बहुत कम लिया है और एक का उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा ले लिया एक्सेस में। इस केस में जो दूसरा वाला लेते हैं, जो हम एक्सेस में लेते हैं, जैसे वाटर यहाँ पे एक्सेस में लिया है, तो जो कंसंट्रेशन हम एक्सेस में लेते हैं उसका कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं कि कॉन्स्टेंट है। हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि इसका खर्च हुआ है, हम मान रहे हैं कि 10 मोल था, अभी भी 10 मोल बाकी है, ये हम मान के चलते हैं। और इसीलिए नॉर्मली रिएक्शन तो इसके और इसके दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि इसका कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हुआ है, इसका कंसंट्रेशन बदला ही नहीं, तो हम कहते हैं कि रिएक्शन सिर्फ इसके कंसंट्रेशन पर मतलब डिपेंड होगी, इसके कंसंट्रेशन से रिएक्शन को कोई मतलब नहीं होगा। और ऑब्वियसली ये बहुत ही मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर ध्यान दें आप तो, ठीक है, क्योंकि आपके पास कोई चीज़ जब बहुत ज़्यादा है तो आप उसकी मतलब कदर नहीं करते हैं, है ना, यही तो होता है। आपके पास मतलब मान लो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया, करोड़ों रुपए आ गए, तो आप उसकी कदर नहीं करेंगे ज़्यादा, कि हाँ 10-20 इधर उधर खर्च हो गया तो आपको कोई मतलब नहीं। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये H2O जो है ये बहुत ही ज़्यादा है,
इसके कंपैरिजन में। तो H2O के कंसंट्रेशन पे हम कह रहे हैं कि रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगी, ठीक। इसको कहते हैं जीरो, मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नॉर्मली ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए थी, इसके और इसके दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर हो गई क्योंकि इसके कंसंट्रेशन हमने कांस्टेंट माना, क्योंकि ये बहुत कम चेंज हो रहा है, तो हम मान के चल रहे हैं इसका कंसंट्रेशन हमेशा बराबर है, चेंज ही नहीं हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हम इसको सेंटेंस में लिख रहे हैं, सिंस वाटर इज प्रजेंट इन, वाटर इज प्रजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, बहुत ज़्यादा पानी है। अब जो चीज़ ज़्यादा है उस पर हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, इसकी कमी है ना, वेरी लार्ज अमाउंट अमाउंट या कह लो एक्सेस में है वाटर, ठीक है, एक्सेस एनसीईआरटी टर्म यूज करता है, एक्सेस में है वाटर। वी कंसिडर दैट कंसंट्रेशन ऑफ H2O, ऐसे हम जब ब्रैकेट में लिखते हैं तो हम मान के चलते हैं इसको क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज कांस्टेंट। तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं, और इसी के वजह से आप देखेंगे इसका जो मतलब रिएक्शन होगी ये फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर इस ऑर्डर के मतलब इस रिएक्शन के लिए हम रेट वाला लिखें तो नॉर्मली रेट इज इक्वल टू के CH3COOC2H5 और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाँ ये था नॉर्मली, इस पर भी डिपेंड कर रही, इस पर भी डिपेंड कर रही, तो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, मान लेते हैं हमने 10 मोल लिया था, अभी भी 10 ही है, तो हमेशा ये 10 ही रह रहा है, ये चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 10 को K से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी कांस्टेंट और के भी कांस्टेंट, जब दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो हम क्या कहते हैं, एक नया कांस्टेंट बन गया। ऑब्वियसली ये 10 है, ये के है, दोनों मल्टीप्लाई कर दो 10 के भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, उसमें कोई चेंज थोड़ी होगा, 10 के भी एक क्या है, कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट इंटू दूसरा कांस्टेंट इज इक्वल टू नया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे रेट इज इक्वल टू के डैश जो है नया कांस्टेंट है, जो कि के और H2O को मल्टीप्लाई करके आया, H2O के कंसंट्रेशन को, ठीक, के डैश CH3COOC2H5, ये हमारा रेट हो जाएगा। और अब देखो इस इक्वेशन के हिसाब से ये रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो नॉर्मली तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी, लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से अब जिस तरीके से बिहेव कर रही, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हिसाब से बिहेव कर रही, ठीक। तो ये है रिएक्शन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, सो इट बिहेव्स एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो ये था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक एग्जांपल आप याद रखना, इसको इससे रिएक्ट करेंगे तो ये और ये मिलेगा, इसको हम पता नहीं क्या है ये, मतलब मेरे हिसाब से ये इथेन एसीटेट है, ठीक है। तो आप भी एक चीज कंफर्म करना है, ये इथेन एसीटेट है या कुछ है और है, ठीक है। तो इथेन एसीटेट जो है वाटर से रिएक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा, ये किसका एग्जांपल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का, एग्जांपल भी याद रखना, ठीक है, आ सकता है। एक और एग्जांपल एनसीईआरटी दिया है और अच्छा एग्जाम्पल, तो उसको भी याद रखना है, जो कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर क्या होता है, गन्ने की जो चीनी, गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है, सुक्रोज बेसिकली, वही होते हैं केन शुगर, सुक्रोज आपने पढ़ा होगा, है ना। तो केन शुगर का इन्वर्जन होना, इन्वर्जन क्या होता है, इन्वर्जन ये होता है मतलब टूट जाना बेसिकली, है ना, केन शुगर का टूट जाना आप ये कह सकते हैं। तो केन शुगर होती है C12H22O11, ये केन शुगर का फॉर्मूला है, ठीक। इसमें वाटर जो है, वाटर से ये रिएक्ट करती है और टूट के अपने कंपोनेंट बना देती है, कंपोनेंट क्या है इसके, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज है, और ये वाला C6H12O6 जो है ये फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला बराबर होता है, फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, ये आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, ये हमारी सुक्रोज है या केन शुगर कह लो। तो केन शुगर जो है बेसिकली इसका टूट जाना, इसी को हम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कहते हैं। इसमें एक एंजाइम भी यूज होता है, इन्वर्टेज, ठीक है, आपको अगर पता हो तो। तो ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर जो होता है, इसमें भी पानी जो होता है ये हमारे पास एक्सेस होता है, काफ़ी ज़्यादा पानी लेते हैं, और इसी वजह से ये भी रिएक्शन जो है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है। बस हो गया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हमारा ख़त्म हो गया। तो इसको आप नोट कर लो, इसके बाद जस्ट हम थोड़ा सा लॉग के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा
लॉग की वैल्यूज और लॉग को सॉल्व करके देखेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, इरेज करते हैं, ठीक है, कर दें। तो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हमने पढ़ लिया, सीडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया, थोड़ा लॉग की बात कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। सबसे पहले आपको लॉग वन से लॉग टेन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक। तो लॉग वन, लॉग टू, लॉग थ्री, लॉग फोर, लॉग फाइव, लॉग सिक्स, लॉग सेवन, लॉग एट, लॉग नाइन और लॉग टेन, ठीक। तो ये लॉग वन से टेन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लॉग वन की वैल्यू जो होती है जीरो होती है, ठीक है, और लॉग टू की वैल्यू 0.3 होती है, ठीक। लॉग टेन की वैल्यू जो होती है वन होती है। अब देखो हम इसमें से लॉग टू से लॉग फोर निकाल सकते हैं, वो कैसे, लॉग का एक फॉर्मूला होता है लॉग एक्स की पावर एन, लॉग एक्स की पावर एन इक्वल टू एन लॉग एक्स, ठीक है। लॉग फोर को हम लिखते हैं, देखो लॉग फोर ये पहला फॉर्मूला जो कि आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैंने बताया था दो तीन फॉर्मूले, तीन फॉर्मूले कुल है, वो तीनों याद कर लेना। मान लेते हैं लॉग फोर लिखा है, लॉग फोर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं लॉग टू की पावर टू, लिख सकते हैं ना। अच्छा, लॉग टू की पावर टू मतलब टू लॉग टू, ठीक। ये टू जो है आगे आ गया, टू लॉग टू यही तो हो गया, एन लॉग एक्स वही तो हो गया। अच्छा, 2 इंटू लॉग टू की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, लॉग टू की हम याद रखेंगे 0.3 यानी 0.6, लॉग फोर की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.6, ठीक। इसी तरीके से अगर लॉग एट की वैल्यू निकालो तो ये भी आ जाएगी, लॉग एट इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम, लॉग टू की पावर थ्री, ये तो क्या 2 का क्यूब कितना होता है 8, यानी 3 लॉग टू, यानी 3 इंटू लॉग टू की वैल्यू 0.3 यानी 0.9, लॉग एट की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.9, ठीक। तो पहला फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए, इससे कई वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। इसको इरेज करते हैं, ठीक है। लॉग थ्री की वैल्यू होती है 0.48, ठीक। अब दूसरे फॉर्मूले पे आ जाओ, दूसरा फॉर्मूला है लॉग एक्स अपॉन वाई, यानी लॉग एक्स डिवाइडेड बाई वाई होता है लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। तीसरा फॉर्मूला होता है लॉग एक्स इंटू वाई, या एक्स वाई लिख लो ऐसे डायरेक्ट, है ना, लॉग एक्स इंटू वाई, इसका फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, ठीक। तो लॉग एक्स इंटू वाई लॉग एक्स प्लस वाई होता है। अब देखो लॉग सिक्स का हम निकालेंगे इसको, इसके इसको यूज करके लॉग सिक्स निकालेंगे। लॉग सिक्स को हम लिख सकते हैं लॉग टू इंटू थ्री, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये हो जाएगा लॉग टू प्लस लॉग थ्री। लॉग टू क्या होता है 0.3, लॉग थ्री क्या होता है 0.48, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 0.78, यही तो हो गया, हाँ 0.78। लॉग सिक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 0.78। तो आसान है, इसी तरीके से करके आप कई सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने का समय जो है वो घर पे होता है, एग्जाम में नहीं। तो इसी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा याद होना चाहिए, ज़्यादातर वैल्यूज याद होनी चाहिए। जीरो याद करो, टू थ्री याद करो हमेशा, फोर सिक्स एट नाइन, मतलब वन से टेन तो याद ही कर लो। लॉग फाइव की वैल्यू होती है 0.7, ठीक है। लॉग सेवन की वैल्यू होती है 0.84, लॉग नाइन की वैल्यू होती है 0.96, ठीक। तो ये अपने लॉग वन से लॉग टेन की वैल्यूज याद रखो, ये तीन फॉर्मूले याद रखो, इनसे काम हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी बेसिकली बताती है कि रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। अगर हम एक रिएक्शन करा रहे हैं ए प्लस बी गिव्स सी, मान लेते हैं ये रिएक्शन है, तो कोलिजन थ्योरी का कहना है कि ए और बी जो है ये आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करते हैं मतलब टकराते हैं, और उसके वजह से प्रोडक्ट बनता है जो कि सी है, ठीक। तो इसके बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। पहला, ये कहती क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट,
मतलब ये कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, जिससे कि प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो आपको पता होनी चाहिए। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, इसको लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ मैं, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो देखो अगर हम यूनिट वॉल्यूम ले लें, यूनिट वॉल्यूम मतलब मान लो हम एक लीटर ले रहे हैं, एक लीटर हमने कोई भी गैस ले ली है, कोई भी लिक्विड ले रखा है, ठीक है। एक लीटर लिक्विड हमने ले रखा है, उसमें कितने कोलिजन्स हो रहे हैं हर सेकंड पे, इसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक। आपको डेफिनेशन थोड़ी पता होनी चाहिए, इसका कुछ खास यूज नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी चीज ये बताना, ये आपको पता होना चाहिए कि जब ए और बी टकरा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर एक टकराव में प्रोडक्ट बन जाए। हो सकता है ये 1,00,000 बार टकरा रहे हैं और सिर्फ 100 बार प्रोडक्ट बन रहा है, तो हर कोलिजन जो है वो इफेक्टिव नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर कोलिजन से जो है प्रोडक्ट बन जाए, कुछ कोलिजन होंगे जो कि इफेक्टिव होंगे जिनसे प्रोडक्ट बनेगा और कुछ कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक। तो ऑल कोलिजन्स डोंट फॉर्म प्रोडक्ट, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है। फॉर्म प्रोडक्ट, हर कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक। अगला पॉइंट, तो किस तरह के कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है ये बात आ जाती है। भाई हर एक तरह से नहीं, कोई कंडीशन होगी इस टाइप के कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा। तो किस तरह के कोलिजन से प्रोडक्ट बनेगा ये आप देखते हैं। कोलिजन्स दैट, दो दो यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। दो बेसिकली बैरियर होते हैं, दो पड़ाव होते हैं जिनको पार करना होता है, ठीक है। रुकावट दो ऐसी होती है जिनको पार करनी होती है जिससे कोलिजन इफेक्टिव बन जाता है, मतलब उससे प्रोडक्ट बन जाता है। तो पहली जो कंडीशन है वो है जनरेट कोलिजन दैट जनरेट एनर्जी इक्वल टू थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, इसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये कंडीशन होती है कि जो कोलिजन होता है, जैसे कोलिजन होता है दो चीज़ें टकराती हैं तो ऑब्वियसली उसमें से एनर्जी निकलती है, तो वो एनर्जी जो निकलती है वो कम से कम थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए। अभी हम देखेंगे कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी होता क्या है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है, कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि जैसे एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो मॉलिक्यूल्स जो होती हैं एक स्पेसिफिक एक्सिस पे होने चाहिए, एक स्पेसिफिक शेप पे होने चाहिए, ठीक है। तो उनका ओरिएंटेशन जो है वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी कोलिजन होगा। फॉर एग्जांपल कोई मॉलिक्यूल मान लेते हैं उसका एक पॉजिटिव एंड है, ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं उसका एक पॉजिटिव एंड है, ये एक मॉलिक्यूल है उसका ये पॉजिटिव एंड है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसका भी पॉजिटिव एंड इधर ही है। अब इन दोनों का कोलिजन होना जो है वो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे ओरिएंटेशन सही नहीं है। अगर इसका पॉजिटिव एंड और इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड अगर साथ में होता, नेगेटिव एंड इसका साथ में होता, तब कोलिजन आसानी से हो जाता। लेकिन इस समय अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ हैं, एक साइड पे हैं, और इनका कोलिजन होना है, तो आपको भी पता है पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इनका कोलिजन मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है ओरिएंटेशन एक प्रॉपर होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, तभी वो कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो जिस कोलिजन में थ्रेशोल्ड एनर्जी जनरेट होगी और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा उसको हम कहेंगे इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। और इसी तरह के कोलिजन जो होते हैं उन्हीं में प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। तो इन दोनों कंडीशन को अगर फुलफिल करेगा कोई कोलिजन तो उसमें प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, प्रोडक्ट बनेगा। और इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कोलिजन, कि ये वो कोलिजन है जो इफेक्टिव है जिससे प्रोडक्ट बन जा रहा है। तो ये हमारी कोलिजन थ्योरी है जो कि समझाने की कोशिश करती है कि प्रोडक्ट कैसे बनता है। अब इसको हम इरेज करेंगे और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि थ्रेशहोल्ड एनर्जी एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं इरेज करता हूँ, करें इरेज, ठीक है।
दो बहुत ही फेमस ग्राफ हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। फेमस है और बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। तो ये हमारा वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। वाई एक्सेस पे हमने रखी है एनर्जी, ठीक है, इस एक्सेस पे एनर्जी है, और इस एक्सेस पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन आगे कैसे बढ़ रही है, धीमे धीमे आगे बढ़ रही है ना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इस एक्सेस पे मान लेते हैं कि रिएक्शन आगे बढ़ रही है, जिस जिस तरह हम इस एक्सेस पे आगे जा रहे हैं रिएक्शंस आगे बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ये वो जगह है, एक सेकेंड, अगर मैं कहूँ कि ये वो जगह है जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी हमारी इस जगह पे है, मतलब यहाँ पे ये इतनी एनर्जी है हमारी रिएक्टेंट की, ठीक। और फिर मैं यहाँ पे बनाऊँ, ये हमारे प्रोडक्ट की एनर्जी है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ये रिएक्शन हमारी चल रही है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। तो रिएक्टेंट देखो इस एनर्जी लेवल पे है और प्रोडक्ट जो है वो इस एनर्जी लेवल पे है। अब आप ये बताओ कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की? ऑब्वियसली प्रोडक्ट की, ऊपर जाते हैं समय एनर्जी बढ़ी तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है। तो अब रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी तभी तो प्रोडक्ट बना होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है रिएक्टेंट की कम है, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा, उसके बाद प्रोडक्ट बना होगा, तभी तो एनर्जी इसकी ज़्यादा है प्रोडक्ट की। तो मतलब हमने एनर्जी इस रिएक्शन में दी है, एनर्जी इंटर करवाई है, इसके अंदर एनर्जी हमने दी है, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक। तो इस तरह का ग्राफ अगर आपको दिख जाए जहाँ पर रिएक्टेंट की एनर्जी कम है प्रोडक्ट की ज़्यादा है, तो मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, या रिएक्शन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, और इसको हम कहेंगे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। अच्छा, एनर्जी की जगह पे आप हीट भी कह सकते हैं, हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है, तो आप ये भी कह सकते हैं आर ने, रिएक्टेंट ने जो हीट है वो एब्जॉर्ब की है तो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक और ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। अगेन इधर हमने एनर्जी दे रखी है और इधर रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि ये एनर्जी है रिएक्टेंट की, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है, और रिएक्शन होने के बाद हमने प्रोडक्ट की एनर्जी देखी, प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ पे, ठीक। तो इस जगह पे, इस लेवल पे है रिएक्टेंट की एनर्जी और इस लेवल पे है प्रोडक्ट की एनर्जी। अब आप बताइए किसकी एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? ऑब्वियसली रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, मतलब रिएक्टेंट ने रिएक्शन के समय प्रोडक्ट एनर्जी को रिलीज किया होगा, तभी तो इसकी एनर्जी कम होगी प्रोडक्ट की। तो यहाँ जो है रिएक्शन में एनर्जी जो है वो बाहर निकल रही, तभी तो रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट जो है वो कम एनर्जी पे है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और इसीलिए इसको हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में मतलब एनर्जी या कह लो हीट जो है बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब रिएक्शन देख के तो आपको ये, आप ये कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे रिएक्टेंट था, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, तो रिएक्शन जो है कुछ इस तरीके से चली होगी, है ना, यहाँ से शुरू हुई होगी और ऐसे करके प्रोडक्ट बन गया होगा, एनर्जी बढ़ती चली गई होगी। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, रिएक्टेंट जो है इसकी एनर्जी ऐसे बढ़ती है काफ़ी ऊपर तक, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट पहुँचती है, ग्राफ इस तरह का आता है। तो ये जो डॉट वाला ग्राफ है ये नहीं होता है, रिएक्टेंट की एनर्जी पहले एकदम ऊपर तक यहाँ तक जाती है, फिर उसके बाद यहाँ नीचे तक आती है और प्रोडक्ट बनता है। तो मतलब रिएक्टेंट को हमें ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जी पहले देनी पड़ेगी, एक्सेस एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो यहाँ तक पहुँचेगा, और जब वहाँ यहाँ तक पहुँचेगा रिएक्टेंट तभी प्रोडक्ट बनेगा। जो रिएक्टेंट यहाँ तक नहीं पहुँचेगा वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मान लेते हैं 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, 1000 में से सिर्फ 100 मॉलिक्यूल यहाँ तक की एनर्जी पहुँच पाएँ तो सिर्फ 100 ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना पाएंगे, बाकी के नहीं बना पाएंगे, ठीक। तो ये हमारी एक्सेस को थोड़ा बढ़ाकर देते हैं, और ये हमारी है थ्रेशहोल्ड एनर्जी, यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है इसको हम कहेंगे थ्रेशहोल्ड एनर्जी, समझे। तो थ्रेशहोल्ड क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द प्रोडक्ट, थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये हमारी थ्रेशहोल्ड एनर्जी है, ठीक। ऐसे ही दूसरी वाली रिएक्शन भी अगर बात करें हम, तो देखने से तो आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्टेंट से सीधा ऐसे प्रोडक्ट बन गया होगा, ये ऐसा पाथ फॉलो हुआ होगा, लेकिन ये गलत है, इस तरह का पाथ नहीं फॉलो होता।
रिएक्टेंट की एनर्जी पहले यहाँ तक ऐसे इंक्रीज़ करेगी, फिर उसके बाद प्रोडक्ट पे आएगी। अगेन यहाँ से लेके यहाँ तक की एनर्जी, इसको हम क्या कहेंगे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। ठीक, तो ये हमारी, हम इसको टी ई लिख देते हैं, ठीक है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो थ्रेशहोल्ड समझ में आ गया, मिनिमम एनर्जी जिससे एलेक्सा स्टॉप, ठीक है, मिनिमम एनर्जी जो कि हमें चाहिए ही चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक, अब देखो रिएक्टेंट को यहाँ से इतनी एनर्जी ऑलरेडी रिएक्टेंट के पास थी। भाई कोई भी चीज़ आप लेते हैं, जैसे आपने HCl ले लिया, वाटर ले लिया, किसी भी चीज़ को आप लेते हैं तो उसके पास ऑलरेडी थोड़ी एनर्जी रहती है, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, इस वजह से ऑलरेडी उसके पास एनर्जी होती है। तो रिएक्टेंट के पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी थी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी हमने इसको दी, या फिर कोलिजन्स के वजह से इसको मिली, तब कहीं जाके प्रोडक्ट मिला, या यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी इसको क्यों मिली, या फिर कोलिजन हुआ उसके वजह से मिली, या फिर हमने दी, तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो है इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी जो है इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट है अपना, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए से लिखा जाता है। ठीक है, बहुत ही गंदा लिख दिया, ई ए इस तरीके से लिखा जाता है, ई ए मतलब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन या एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, ये इतनी है एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट के लिए, मतलब रिएक्टेंट को अगर आप इतनी एनर्जी दोगे तब कहीं जाके वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। दूसरी चीज़, अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा चलाएं, तो मतलब ये है प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को हम रिएक्टेंट में चेंज कराएंगे, तो उल्टा चलाने के लिए प्रोडक्ट को भी तो एक्टिवेशन एनर्जी तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, इसको भी रास्ता यही अपनाना पड़ेगा। ये भी ऐसा नहीं कि सीधा चला जाएगा, सीधा ये भी नहीं जा सकता, इसको भी ऐसे पहले ऊपर तक जाना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी तक, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। यानी प्रोडक्ट को भी अगर हम इस रिएक्शन को उल्टा चलाएं तो प्रोडक्ट को भी थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचना पड़ेगा, और प्रोडक्ट को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचने के लिए सिर्फ इतनी ही एनर्जी चाहिए, और ये क्या है, प्रोडक्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, तो एक्टिवेशन एनर्जी समझ में आ गई आपको, रिएक्टेंट के पास जितनी एनर्जी है उससे कितना और ज़्यादा एनर्जी चाहिए हमें थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और ये आप रिएक्टेंट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, अगर रिएक्शन दोनों तरफ चल रही है। ठीक है, अच्छा इसको ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर आप बताएंगे ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर मैं यहाँ पर एक खींच देता हूँ लाइन, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट ई ए। ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट के लिए एनर्जी है अगर रिएक्शन उल्टा चल पाए तो। ठीक है, तो हर रिएक्शन तो उल्टा चल नहीं सकती है, तो जो रिएक्शन उल्टा चलेगी उसके लिए ये हो जाएगी प्रोडक्ट वाली एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम वो एनर्जी है जो कि ऑलरेडी प्रोडक्ट को या फिर रिएक्टेंट को देनी पड़ेगी रिएक्शन करवाने के लिए, जिससे कि वो थ्रेशहोल्ड एनर्जी तक पहुँच जाए। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है ये चीज़ आप अच्छे से मतलब नोट कर लीजिए। ठीक, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ये ग्राफ बना लो अपने कॉपी में, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी टॉपिक अपना पढ़ते हैं। ठीक, लगभग ख़त्म होने वाला है ये, तो बना लिए होगे, लगभग वीडियो पॉज करके बना लेना। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अगर इस तरह का ग्राफ आपको दे दिया जाए और पहचानने को बोल दिया जाए कि ग्राफ जो है वो एक्सोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक, तो पहचान लोगे ना, बहुत ही आसान है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये हमें एनर्जी और रिएक्शन के प्रोग्रेस का ग्राफ दिखा रखा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमारी रिएक्टेंट है, बताओ एंडोथर्मिक है ये, सॉरी ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, बताओ एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। ऑब्वियसली देखो रिएक्टेंट कम एनर्जी पे है और ये ज़्यादा एनर्जी पे है, तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट ने एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो एंडोथर्मिक है ना। ऐसे ही अगर हम यहाँ से छोड़ दें इसको और यहाँ पे ला के छोड़ दें कि ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, तो रिएक्टेंट की एनर्जी देखो इतनी है, प्रोडक्ट की एनर्जी काफ़ी कम है, तो रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट की कम है, मतलब रिएक्टेंट ने एनर्जी खर्च की होगी या कह लो लॉस किया होगा, तभी तो प्रोडक्ट बना, तभी ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो इससे आप पहचान जाओगे, आसानी से पहचान जाओगे, है ना। ठीक है, अब अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और इसमें हमें दो फैक्टर पढ़ने हैं। पहला फैक्टर हमें पढ़ना है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने या घटाने पर जो रिएक्शन का रेट होगा उसका क्या होगा।
तो अभी मैंने बताया था कि रिएक्शन कैसे चलती है, कोलिजन्स के थ्रू। अब आप सोचो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो कोलिजन और ज़्यादा होने लगेंगे, बहुत ज़्यादा कोलिजन होने लगेंगे। तो जो कोलिजन है वो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा, है ना, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। अब नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज कर गया तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन भी तो इंक्रीज कर जाएगा, कि कितने इफेक्टिव कोलिजन है वो भी तो बढ़ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे आप, एनर्जी बढ़ जाएगी, तो नंबर ऑफ कोलिजन यानी मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, इसी वजह से कोलिजन का नंबर बढ़ गया और इफेक्टिव कोलिजन का नंबर भी बढ़ गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन का नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ गया तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनने लगेगा, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक, अब इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू बताया। ठीक है, और उसके पहले, इक्वेशन के पहले एक और बात हम समझेंगे। एक सिंपल सा नियम है कि अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो रेट कांस्टेंट होता है वो 2 गुना होता है। ठीक है, 2 गुना हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू पाया गया। तो इफ इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय 10 डिग्री, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दें, देन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट याद है ना, के रेट कांस्टेंट इज नियरली डबल, लगभग 2 गुना हो जाता है, नियरली डबल्ड। ठीक, तो मान लेते हैं कि पहले जो रेट था रिएक्शन का, हम इस तरह से मान लेते हैं रेट इज इक्वल टू के ए और बी, ये नॉर्मल हम रेट लॉ लिख रहे थे। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं कि टी इज इक्वल टू 0 पे हम मान लेते हैं, या शुरुआत में मान लेते हैं, शुरुआत में मान लेते हैं कि टी डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर था, और जो रेट मतलब के था, रेट कांस्टेंट ये के था। ठीक, शुरुआत में, फिर हमने 10 डिग्री बढ़ा दिया, टी डिग्री प्लस 10, इतना टेम्परेचर कर दिया। अब जो है रेट कांस्टेंट जो है वो 2 के हो जाएगा, मतलब 10 डिग्री अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रेट जो है वो लगभग 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये एक मतलब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये देखा गया है, और ये याद रखिएगा नियरली डबल, 100% ये करेक्ट रिजल्ट नहीं है, लगभग नियरली डबल हो जाता है। अच्छा ये बताओ, अगर 2K हो गया तो यहाँ पे हम इसको पुट करें, जब जब टी डिग्री सेल्सियस पे के था रेट कांस्टेंट, तो ये मतलब हमारा रिजल्ट आएगा, अब 2K हो गया रिजल्ट रेट कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर टू 2K ए इंटू बी। देखो रेट भी 2 गुना हो गया, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ट्वाइस हो जाता है, रेट डबल हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट को भी डबल कह सकते हैं और रेट को भी डबल कह सकते हैं, क्योंकि देखो पहले रेट क्या था, के ए बी, अब के रेट कितना हो गया 2K कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये के और ए और बी क्या है, बेसिकली पहले वाला ही तो रेट है, तो इसको आर डैश हम मान लें, तो आर स्क्वल टू 2R डैश, सॉरी आर डैश स्क्वल टू 2R हो गया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट 2 गुना हो गया, या आप कह सकते हैं रेट 2 गुना हो गया, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं। तो ये एक रूल आप याद रखना कि जैसे ही 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, आप सिर्फ एनसीईआरटी ने 10 डिग्री लिखा है, ठीक है, उसके आगे सेल्सियस या फ़ारेनहाइट नहीं लगाया गया, तो आप बेसिकली मान के चलिए कि सेल्सियस में ही आएगा क्वेश्चन। ठीक, फ़ारेनहाइट में भी आ जाएगा तो आप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने कुछ बताया नहीं यहाँ पर। तो अगर रेट को 10 डिग्री बढ़ा दें, एक सेकेंड रुक जाओ, अगर रेट को 10 डिग्री बढ़ा दें तो जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है। ठीक, ये चीज़ याद रखना। अब ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस है जो कि एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है, अब इसी सेंटेंस के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, तो इतना नोट कर लो आप, फिर इक्वेशन में लिखता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया होगा। फिर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है आर्हिनियस। आर्हिनियस ने थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बताया कि रेट जो है वो कैसे चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने पर। आर्हिनियस ने एक इक्वेशन दी जिसको हम कहते हैं आर्हिनियस इक्वेशन। ऑब्वियसली बहुत ही सीधी सी बात है, आर्हिनियस ने दी तो उसी के नाम पे होंगे, है ना। आर्हिनियस इक्वेशन, आर्हिनियस ने इक्वेशन दी के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस, चलेगा ही नहीं ये, एक सेकेंड, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, अपॉन आर टी। ये है इक्वेशन ऑफ आर्हिनियस, आर्हिनियस इक्वेशन। तो आर्हिनियस इक्वेशन ने देखो टेम्परेचर के चेंज होने पे के जो है वो कैसे चेंज होता है ये बताती है हमें।
तो के स्क्वायर टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये पूरा ई ए अपॉन आर टी जो है ई के पावर में है, ठीक है, ई मतलब एक्सपोनेंट है ना, तो ई के पावर में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि के क्या है ई क्या है, एक बार लिख लेते हैं क्योंकि आप एग्जाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं। के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट। ए जो है इसको हम आर्हीनियस कॉन्स्टेंट कहते हैं, इसको थोड़ा सा दूर से दिखते हैं, इसको हम आर्हीनियस कॉन्स्टेंट कहते हैं, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट कहते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल मतलब एक्सपोनेंट के पहले है ना, ये ई जो है इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, तो प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट आप ऐसा समझ सकते हैं, या फिर इसी को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, ठीक। ये कोलिजन के बारे में बेसिकली आप कह सकते हैं, जो ए है ये कोलिजन के बारे में थोड़ा बहुत बताता है, ठीक है। तो ये ए जो है इसको हम आर्हीनियस फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं, ठीक। तीसरी चीज ई ए तो आपको पता है, एक्टिवेशन एनर्जी लिख देता हूँ फिर भी मैं, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस कॉन्स्टेंट है और टी टेम्परेचर है, ठीक, सारी चीजें लिख दी। तो क्या चीज कौन है, ये ऑलरेडी मैंने सारी चीजें लिख दी, और ये आर्हीनियस ने इक्वेशन दी, के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक। तो ये इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को तोड़ के मरोड़ के मतलब किसी भी तरीके से हमने इसी इक्वेशन को लॉग के फॉर्म में निकाला, ठीक। और लॉग के फॉर्म में जो हमने इक्वेशन निकाली वो हम यहाँ लिखते हैं। तो उसी इक्वेशन के थ्रू हमने एक दूसरी इक्वेशन निकाल ली, जो कि लॉग के स्क्वायर टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये इक्वेशन आई कहाँ से, उसी इक्वेशन से, ठीक है, आर्हीनियस इक्वेशन से ही हमने ये इक्वेशन लिया है, लॉग के स्क्वायर टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक। अब लॉग सॉल्व करना ऑलरेडी हमने सिखा दिया है, तो इस इक्वेशन को आप आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि जब मान लेते हैं इस टाइप क्वेश्चन आ जाए कि जब टेम्परेचर टी था तो रेट कांस्टेंट के था, टी वन जब टेम्परेचर था तो रेट कांस्टेंट के वन था, जब टेम्परेचर टी टू हो गया तो रेट कांस्टेंट के टू हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और के वन के टू में या फिर टी वन टी टू में रिलेशन पूछा हुआ हो, तो इसी इक्वेशन को यूज़ करके हमने एक और इक्वेशन निकाल ली, जो कि है लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। ये हमारी लास्ट इक्वेशन है, और इन तीनों इक्वेशन में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इक्वेशन है वो भी हमारी यही है, तीसरी वाली। तो अगर आप नीट के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन ये थर्ड इक्वेशन पे मिलेंगे, लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहाँ पे दो टेम्परेचर को कंपेयर किया गया है, हमने मान लिया है कि T1 टेम्परेचर पे K1 है रेट कांस्टेंट और T2 टेम्परेचर पे K2 रेट कांस्टेंट है, ठीक है, और हमने दो इन्हीं दोनों को कंपेयर कर दिया है। तो ये आपको आर्हीनियस के इक्वेशन के बारे में सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये और ये तीनों याद होने चाहिए, साथ में टर्म भी याद रखना कि ए क्या है, ई ए क्या है, आर टी क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन इस मतलब चैप्टर में आपको क्वेश्चन जरूर करना है, ठीक है, बिना क्वेश्चन किए ना जाना, क्योंकि क्वेश्चंस ऑब्वियसली यहाँ पे देखने में फॉर्मूले आसान लगते हैं लेकिन आप क्वेश्चन करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, ठीक। तो क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमें एक और चीज़ पढ़नी है, मॉडिफिकेशन ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। देखो, आर्हीनियस ने इक्वेशन तो बहुत सही दी, टेम्परेचर के हिसाब से हम चीज़ें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ मतलब एक कमी थी इनके इक्वेशन में। पहले इक्वेशन को हम लिखते हैं फिर देखते हैं, के स्क्वायर टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये इक्वेशन थी। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे कोलिजन्स बढ़ेंगे, और कोलिजन बढ़ेंगे तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन आपको पता है कोलिजन और क्या कहते हैं उसके इफेक्टिव कोलिजन दोनों में अंतर होता है। कोलिजन तो कई सारे होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन उसमें से सारे नहीं होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन के लिए हमने दो कंडीशन लगाई थी, पहला थ्रेशोल्ड एनर्जी पर पहुंचना चाहिए, दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कोलिजन सारे ले लिए हैं, इफेक्टिव कोलिजन के बारे में नहीं सोचा है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया।
मॉडिफाई करके इसको कर दिया के स्क्वल टू पी, हमने एक टर्म नया इंट्रोड्यूस किया पी जेड ए बी, जेड ए बी दूसरा टर्म हमने इंट्रोड्यूस किया और बाकी सेम है ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमने मॉडिफाई कर दिया इसके फॉर्मूले को। अब हमने क्यों मॉडिफाई किया और कैसे किया ये देखो, पी हमने इसलिए इंट्रोड्यूस किया, पी को कहते हैं स्टेरिक फैक्टर फैक्टर, ठीक है, और जेड को कहते हैं जेड ए बी जो है इसको कहते हैं, मान लेते हैं एक रिएक्शन हो रही है जैसे ए से बी बन रहा है, ठीक है, तो जेड को हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ए बी मतलब कुछ नहीं है, मतलब ये आप कह सकते हैं एक रिएक्शन है, जैसे ए है रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो जेड ए बी मतलब ए बी वाली रिएक्शन में जो जेड है उसी को जेड ए बी हम कह रहे हैं। तो ए बी से कुछ खास मतलब नहीं है, आप इरेज कर देंगे, इसको हटा देंगे तो कोई भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब इसको समझो क्या है, ये जेड ए बी जो है ये कोलिजन की फ्रीक्वेंसी शो करता है, ठीक है, कोलिजन मतलब कितने सारे कोलिजन हो रहे हैं ये जेड ए बी शो करता है। पी शो करता है स्टेरिक फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर मतलब पी ऐसी चीज शो कर मतलब पी बेसिकली ये शो करता है कि जितने कोलिजन हो रहे हैं उसमें से कितने प्रॉपर ओरिएंटेशन में हैं, मतलब कितने जो ऐसे कोलिजन है जो कि इफेक्टिव कोलिजन है ये पी शो करता है। तो जेड जो है वो टोटल कोलिजन को शो करता है और पी जो है ये स्टेरिक फैक्टर है जो कि इफेक्टिव कोलिजन को शो करता है, ठीक। अब सिंपल भाषा में इस तरीके से आप समझेंगे, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो जेड और पी हमने ये दोनों ऐड किया ए को हटा के, तो ए को हटा के हमने पी जेड ए बी ऐड कर दिया, बाकी ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी ये पूरा रहेगा। यहाँ पे पी स्टेरिक फैक्टर को कहा जाता है, पी हमारा बेसिकली ओरिएंटेशन को शो करता है कि कितने ऐसे कोलिजन है जिनमें सही से ओरिएंटेशन है, और जेड जो है ये टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी को शो करता है, ठीक। तो ये दोनों आपका थोड़ा याद करना। और हमने मॉडिफिकेशन आरएनएस का क्यों किया, क्योंकि हमें इफेक्टिव कोलिजन को इसके इक्वेशन के अंदर लाना था। पहले यहाँ पे सिर्फ टोटल कोलिजन को देखा जाता था, अब यहाँ पे इफेक्टिव कोलिजन को भी देखा गया, ठीक। लेकिन ये है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपको इसी फॉर्मूले पर मिलेंगे, इस पर बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नीट में तो मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलते। तो ये फॉर्मूला बेसिकली आप अच्छे से याद रखना, इसको भी याद रखना, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखेंगे इस वाले फॉर्मूले से आते हैं, ठीक है, नीट में या फिर बोर्ड में भी इस वाले फॉर्मूले से ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक। तो ये मॉडिफिकेशन ऑफ ऑरिजिनस इक्वेशन हो गया। अब आते हैं अपना आखिरी टॉपिक पे, आखिरी टॉपिक में हम ये देखेंगे दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट जो है वो किस तरीके से रेट को अफेक्ट करता है, और ये हम अपना उसी तरीके से मतलब ग्राफ के हिसाब से सीखेंगे। पहले इसके बारे में दो तीन चीज़ें लिख लेते हैं, दो तीन क्या, एक चीज़, कैटलिस्ट होता क्या है, इट इंक्रीजेस, ये इंक्रीजेस लिखा है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है एनर्जी, और एक्टिवेशन एनर्जी के कम होने से जो इफेक्टिव कोलिजन है वो बेसिकली बढ़ जाते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। कैसे करता है, एक ग्राफ से समझते हैं, मान लेते हैं ये ग्राफ है, जगह का पूरा उपयोग करते हैं ना, इधर एनर्जी है, ठीक, इधर रेट है प्रोग्रेस, मतलब सॉरी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, मतलब प्रोग्रेस रिएक्शन जो है आगे बढ़ रही है, ठीक, जैसा हमने इधर रखा है, ठीक, तो रेट को सही कर देते हैं। तो ये हमने इस साइड एनर्जी ले रखी है, इधर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन ले रखी है। अब एक चीज़ मैं बताना मतलब पूछ रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट है, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की और ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, तो पहले ये बताओ रिएक्शन जो है एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। तो सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम हो गई, मतलब एनर्जी बाहर निकल गई होगी, और मतलब बाहर निकलने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक। अब ये इस रिएक्शन का जो नॉर्मल पाथ होता है, जो नॉर्मल रास्ता होता है, वो ये होता है कि इसको ऊपर तक जाना है, फिर ऊपर से यहाँ तक आना है, यही तो होता है, इसको ऊपर तक जाना है फिर उसके बाद यहाँ तक आना है, ये होता है नॉर्मल पाथ। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, ठीक है, यहाँ से एक सेकंड, ये हम मान लेते हैं यहाँ से बना देना, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये नॉर्मल रास्ता होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। अब कैटलिस्ट अब डाल देंगे आप तो क्या होगा, ये जो रास्ता है ये विदाउट कैटलिस्ट है,
बिना कैटलिस्ट के है। अब अगर आप कैटलिस्ट डाल देंगे तो क्या होगा, तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो मान लेते हैं कैटलिस्ट की वजह से एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो इतनी आ गई। अब इस रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होगी, अब इस रिएक्टेंट को सिर्फ इतनी एनर्जी चाहिए होगी और इतनी ही एनर्जी पा के ये प्रोडक्ट को बना देगा। आप देख रहे हैं, तो ये इतना डिफरेंस मिल जाता है हमें एनर्जी में, मतलब रिएक्टेंट जो है उसको एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए। अब ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए तो जो नॉर्मल कोलिजन्स हैं उनसे भी अच्छा खासा मतलब प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, पहले देखो यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी थी, अब यहाँ से यहाँ तक की एनर्जी ही एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके ही प्रोडक्ट की सॉरी रिएक्शन की रेट को बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो ये वाला कंडीशन जो है ग्रीन वाली, ये विद कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट कैसे काम करता है ये भी हमें पता चल गया, और टेम्परेचर भी हमने पढ़ लिया, कैटलिस्ट भी पढ़ लिया, दोनों रिएक्शन दोनों फैक्टर थे दोनों हमने पढ़ लिए। यहीं पे आपका चैप्टर खत्म हुआ, सारी चीज़ें जो चैप्टर में थी हमने अच्छे से पढ़ ली हैं, फॉर्मूले मैंने आपको दिखा दिए हैं सामने, वो सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। लेकिन फॉर्मूले याद करने से और चैप्टर पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसके लिए आपको क्वेश्चन लगाने पड़ते हैं। ठीक है, वैसे ये हमें वीडियो में नॉर्मली मतलब लोग मना करते हैं इस चीज़ को वीडियो में, वो बोलते हैं कि मतलब ये चीज़ ना बोला करो कि सिर्फ वीडियो पढ़ने से सॉरी सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब ये चीज़ मैं ना बोला करूँ, लोगों का ये कहना है। लेकिन देखो सच्चाई वही है, सिर्फ वीडियो देखने से और सिर्फ ऐसे घूरते रहने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। ठीक, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको करने पड़ेंगे। तो अब ये सारा आपने पढ़ लिया, अब कॉपी उठाओ पेन उठाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, कर डालो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर दोगे आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा अच्छे से। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर वेयर कर देना, मैं तो भूल जाता हूँ यार, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और थोड़ा सा डांस कर लेना। बाय।